लास्ट सेशन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें और फ्यूचर जीएसटी कैसे आएगा इसके बारे में डिस्कशन किया. एंड नाउ वी स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन प्लीज 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 बेटा कंट्रोल कंट्रोल. वी ऑल्सो स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन सनवैट क्रेडिट रूल्स. नाउ बेटा जहाँ तक है एक बार फिर से दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. सनवैट क्रेडिट रूल 2004 दिस फॉर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर. अगर मैन्युफैक्चरर इनपुट्स तो अब यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर थोड़ा इमेजिन करना और बार बार इमेजिन करना. प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल खरीदता है, कंज्यूमेबल्स खरीदता है, प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर कंज्यूमेबल्स खरीदता है, उसके बाद में फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल खरीदता है, तो उसके ऊपर वैट और एक्साइज दो टैक्स लग के आते हैं बेटा. वैट का क्रेडिट वैट में मिल जाएगा अगर आउटपुट टैक्स में वैट होगा, मैन्युफैक्चर के आउटपुट टैक्स में वैट होता है. और एक्साइज का क्रेडिट एक मैन्युफैक्चरर के आउटपुट टैक्स में एक्साइज होता है तो उसमें मिल जाता है, इसलिए एक्साइज के भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो गए. बात थी सर्विस टैक्स की, क्योंकि मैन्युफैक्चरर गुड्स और सर्विसेज भी खरीदता है. सर्विसेज में जब वो फैक्ट्री रेंट पे लेगा, एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेगा, सेल्स प्रमोशन सर्विस लेगा, ओके जॉब वर्क सर्विस लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके कॉस्ट में सर्विसेज भी परचेसेस की हुई जिसके ऊपर क्या लग के आएगा सर्विस टैक्स. सवाल ये था कि एक मैन्युफैक्चरर के आउटपुट में एक्साइज है, क्या वो परचेसेस में जो सर्विस टैक्स लग के आया उसका क्रेडिट लेगा क्या? हाँ. तो थीम आज ऐसी है सेंट्रल के क्रेडिट जो भी सेंट्रल टैक्सेस है, एक्साइज एंड क्या, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, तो सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में, तो आपके आउटपुट टैक्स में एक्साइज सेंट्रल है, इसलिए एक्साइज के अगेंस्ट में आपको एक्साइज का तो सेट ऑफ मिल ही जाता है एज वेल एज सर्विस टैक्स. एक मैन्युफैक्चरर एक्साइज एज वेल एज सर्विस टैक्स का सेट ऑफ ले सकता है. फिर बेटा दूसरा ये सवाल था सर्विस प्रोवाइडर का क्या. जैसा मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने भी गुड्स खरीदे हैं, मैंने भी गुड्स पे सेंट्रल टैक्स दिया हुआ है एक्साइज, और मैंने भी यहाँ पे सर्विसेज कंटिन्यूअस खरीद रहा हूँ सर्विसेज, तो ये जो मैंने परचेसेस की गुड्स की सर्विस पे जिसपे दो सेंट्रल टैक्स दिए एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का, क्या एक सर्विस प्रोवाइडर उसके आउटपुट पे जो सर्विस टैक्स आता है, मैंने क्या कहा उसके आउटपुट पे जो सर्विस टैक्स आता है क्या उसके अगेंस्ट में दो सेंट्रल टैक्सेस एडजस्ट कर सकता है? हाँ. तो एक सर्विस प्रोवाइडर एक्साइज का भी सेट ऑफ ले सकता है और सर्विस टैक्स का भी ले सकता है, पर सर्विस प्रोवाइडर आज विन विन सिचुएशन में नहीं है. क्यों? क्योंकि जब वो गुड्स की परचेस करेगा ओके तो वैट भी लग के आएगा और वैट का सेट ऑफ उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके आउटपुट टैक्स में वैट नहीं है, इसलिए वो सफर कर रहा है, एक टैक्स एडजस्ट नहीं हो रहा है उसका. और सबसे ज्यादा सफर कर रहा है कौन बेटा? डीलर, क्योंकि डीलर के आउटपुट में वैट ही है, पर डीलर भी गुड्स खरीदता है सर्विसेज खरीदता है, सेंट्रल टैक्स लग के आते हैं, एक्साइज लग के आता है और क्या लग के आएगा सर्विस टैक्स. नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ट्रेडर थोड़ा सफर कर रहा है, एक्साइज हमने वैट में एक्साइज ऐड कर दिए, सीएसटी भी ऐड कर दिए. सीएसटी तो सभी ऐड करते क्योंकि सीएसटी का क्रेडिट ही नहीं है, कस्टम्स भी ऐड हो गया, तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट आज है. चलिए फिर हमने डेफिनेशन स्टार्ट की थी रूल 2A, कौन सी डेफिनेशन? कैपिटल गुड्स. चलो फटाफट एक बार मेरे साथ वो कॉर्नर से बेटा वो कॉर्नर तक अब थोड़ा दम लगाइएगा, चाय के लिए दम मत लगाइए ओके. तो यहाँ पे वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक मेरे साथ सभी एक बार पढ़ेंगे, लर्न नहीं करना है सिक्वेंस में, सिर्फ बार बार पढ़ना है कि क्लिक हो जाए. आगे प्रॉब्लम में अगर आया पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्लिक हो जाना चाहिए, दिया है कैपिटल गुड्स में, स्पेयर कहा क्लिक हो जाना चाहिए कैपिटल गुड्स में. तो चलो वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक मेरे साथ रिवाइज करोगे. देखो फॉलोइंग गुड्स नेमली कौन कौन से चैप्टर 82, 84, 85, 90, 6804, 6805 फिर देख के दूसरा थोड़ा फोकस और देख के पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स खरीदे होगे तो कैपिटल गुड्स. तीसरा कंपोनेंट्स स्पेयर्स एसेसरीज ऑफ अबव
1 और 2 तो कैपिटल गुड्स। आपने अगर मोल्ड डाइज जिक्स और फिक्सचर्स खरीदे होंगे तो कैपिटल गुड्स। आपने रीफैक्ट्रीज एंड रीफैक्ट्रीज मटेरियल खरीदे होंगे तो कैपिटल गुड्स। ट्यूब पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑफ आपने खरीदा होगा तो कैपिटल गुड्स। और आपने क्या खरीदा, स्टोरेज टैंक, तो कैपिटल गुड्स। अब एक लास्ट वाला पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, वो है बेटा मोटर व्हीकल। अदर देन दोज फॉलिंग अंडर टैरिफ हेडिंग 8702, 8703, 8704, 8711 एंड देयर चेसिस इंक्लूडिंग डंपर्स एंड बट इंक्लूड्स डंपर्स एंड टिपर्स। थोड़ा ये वर्ड को मैं इस तरह से लिखता हूं तो आपको समझने में इजी होगा। क्या बेटा, देखिए वो कहते हैं पॉइंट नंबर 8 में, ओके, आपको मोटर व्हीकल की क्रेडिट देंगे। अगर आपने एक मैन्युफैक्चरर ने मोटर व्हीकल खरीदा जिसके ऊपर एक्साइज लग के आएगी, क्योंकि गुड्स है, व्हीकल गुड्स है, तो गुड्स पे कौन सा टैक्स लग के आएगा, सेंट्रल एक्साइज। तो एक्साइज अगर लग के आया तो एज अ कैपिटल गुड्स उसे क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर 50% मिलेगा, सब्सिक्वेंट ईयर 50% यूज करने मिलेगा। तो एक मैन्युफैक्चरर उसके आउटपुट टैक्स में जो एक्साइज है वो एक्साइज के अगेंस्ट में मोटर व्हीकल के एक्साइज का क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। पर मोटर व्हीकल कहते हैं मोटर व्हीकल अदर देन, बेटा अदर देन, हम कुछ मोटर व्हीकल के क्रेडिट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ओके सर, वो मोटर व्हीकल बिजनेस में यूज हो गए, नहीं देंगे, निगेटिव लिस्ट क्रेडिट किया। जैसे वैट में भी पढ़ा था, डीजल हो, पेट्रोल हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो, लीकर हो, याद आया ना, क्रेडिट नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे, चाहे जो करना है कर लेना। तो बेटा यहां पे मोटर व्हीकल अदर देन 8702, 8702 में कोड में आने वाले मोटर व्हीकल, 8703, 8704 और 8711 में आने वाले मोटर व्हीकल, ये चार कैटेगरी में आने वाले मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा मोटर व्हीकल होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ओके। बट आगे कहते हैं इंक्लूडिंग डंपर्स एंड टिपर्स। अच्छा, इंक्लूडिंग मतलब डंपर्स एंड टिपर्स, ओके, बताता हूं। अदर देन दिस बट डंपर टिप्पर अगर आपने खरीदा तो डंपर टिप्पर का क्रेडिट हम दे देंगे। तो ख्याल रखो, ना वो मोटर व्हीकल का क्रेडिट देने के लिए रेडी है, ना इसके चेसिस का क्रेडिट। आपने अगर चेसिस खरीदा होगा तो उसके भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, चेसिस खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा, पर डंपर्स और टिप्पर्स अगर आपने खरीदे होंगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, सर ये चार में कौन से गुड्स मोटर व्हीकल आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये चार हेडिंग्स में आने वाले मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर हमारा सवाल आपके भाई ये है कि वे कौन से गुड्स आते हैं इसमें जिसके मोटर व्हीकल के डिनाई कर दिए। और सर दूसरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय डंपर्स एंड टिपर्स, डंपर्स और टिपर्स है क्या। कभी आपने माइनिंग पे वो ट्रक देखे, वो पूरा लिफ्ट हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, मटेरियल नीचे गिर जाता है वापस से, उसको कहते हैं डंपर्स एंड टिपर्स, उसको कहते हैं टिप्पर या डंपर्स, ठीक है। माइंस पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, जब ये सैंड आती है, रेती आती है तो लिफ्ट होता है, उसे कहा जाता है टिप्पर्स। और माइनिंग पे बड़े बड़े स्टोन के लिए जो स्पेशल डंपर्स बनते हैं वो भी लिफ्ट होते हैं। तो डंपर्स एंड टिपर्स मतलब मैंने डायग्राम में दिया है, नो डाउट अगर आपको डायग्राम में जानना होगा तो ये है बेटा डंपर्स एंड टिपर्स। इस टाइप के जो ट्रक होते हैं वो डंपर्स एंड टिपर्स कहलाए जाते हैं, इसके क्रेडिट। तो फिर बेटा सवाल ये है, चलो सर आपको लिखना होगा तो लिख देना ये ट्रक पे डंपर एंड टिपर्स, वो डंपर टिपर कहा जाता है, ठीक है। फिर सवाल ये आता है सर कि आपने कहा कि ये मोटर व्हीकल के क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि ये चार कोड में कौन से मोटर व्हीकल आते हैं। अब ये कोड का मीनिंग क्या, फर्स्ट टू डिजिट इंडिकेट चैप्टर नंबर और नेक्स्ट टू डिजिट इंडिकेट हेडिंग नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 87 के, चैप्टर नंबर 87 के 02 03 04 और 11, ये मोटर व्हीकल के क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देगी, बस चाहे कुछ भी कर लो। फिर सवाल आता है कि ये मोटर व्हीकल में आता क्या है,
तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे 8702 8703 04 और 11 बता देता हूं। 8702 में आती है बस, सिंपल वर्ड में क्या आती है? बस। 8703 में आती है कार, कार अगर आपने खरीदी, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने अपने फैक्ट्री में कुछ बसेस खरीदा, बसेस किस लिए खरीदा? नो डाउट कैपिटल असेट है कि भाई एम्प्लॉय को ले जाने के लिए और लाने के लिए उसने बसेस खरीदा, तो एम्प्लॉय को ले जाने और लाने के लिए जो बसेस खरीदी गई उसके क्रेडिट उसे नहीं मिलेंगे। एक मैन्युफैक्चरर ने कार खरीदी, कार डायरेक्टर मैनेजर्स एम्प्लॉय के लिए खरीदा या कैब एम्प्लॉय के लिए खरीदा, तो वो कार खरीदेगा तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तीसरा ट्रक, ट्रक खरीदे तो 8704 में ट्रक आते हैं, तो अगर ट्रक खरीदे तो क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बस खत्म। और लास्ट बाइक वगैरह खरीदा, जैसे बहुत से मैन्युफैक्चरर अपने एम्प्लॉय के लिए बाइक्स खरीदते हैं, मैंने खुद, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे भी नहीं मिलेगा आगे बताऊंगा, मैंने 5 bikes लास्ट मंथ में खरीदी अपने एम्प्लॉय के लिए, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अगर पास ऑन होती है तो मैन्युफैक्चरर होगा तो भी मैं नहीं मिलेगा, और आगे बता दूंगा सर्विस प्रोवाइडर होगा तभी नहीं। ये 4 मोटर व्हीकल के क्रेडिट नहीं मिलेंगे, इसके अलावा सबके मिल जाएंगे, इसके अलावा सबके मिल जाएंगे इंक्लूडिंग डंपर्स एंड टिपर्स। ओके, तो वापस चार्ट पे आ जाइए बेटा, वो क्या कहते हैं, अगर हम चार्ट देखें तो अब एक सवाल है, एक मैं एग्जांपल देता हूं कि ये 4 छोड़ के दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, बस बाइक कार एंड ट्रक, पर सर फिर ऐसे बताओ ना, क्योंकि आपने पहली लाइन की मैन्युफैक्चरर को मोटर व्हीकल के क्रेडिट मिलेंगे अदर देन 4, तो किस टाइप के मोटर व्हीकल को उसको क्रेडिट मिलेंगे? फिर आपने 4 तो हटा दिए, तो बहुत सी बार मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में ट्रॉली खरीदता है, ट्रॉली खरीदता है जो मोटर व्हीकल होती है, इस टाइप की ट्रॉली खरीदता है, देखो वेयर हाउस में होती है ट्रॉली जो मटेरियल लेके जाती है, तो इस टाइप के मोटर व्हीकल, ट्रॉली कहो, डंपर्स टिपर्स कहो, ट्रैक्टर कहो, रोड रोलर कहो, अरे है ना, तो अगर मैन्युफैक्चरर इस टाइप के गुड्स खरीदता है तो उसे क्रेडिट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपने याद कैसे रखना है, आपका पहला लाइन आना चाहिए मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा एक्सेप्ट 4, बताओ कौन कौन सा नहीं मिलेगा, बस कार ट्रक और बाइक, ये 4 छोड़ के बाकी सबका क्रेडिट मिलेगा बेटा। तो अब बेटा ये जो मोटर व्हीकल है इसके क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये 8 कैटेगरीज हमने पढ़ी और इसका क्रेडिट एज अ क्या मिलेगा आपको, कैपिटल गुड्स। अब आगे देखिएगा उनकी दूसरी शर्त क्या है, उनकी दूसरी शर्त है बेटा अभी वो है कि मैन्युफैक्चरर होगा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ मैन्युफैक्चरर होगा तो वो जो हमने ऊपर 8 कैटेगरीज कही है, यूज इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज होने चाहिए, वर्ड है यूज, वर्ड है यूज इन अ फैक्ट्री, कभी कभी हमने फैक्ट्री में लाके रखे पर इंस्टॉल नहीं किए तो क्रेडिट, यानी शर्त क्या है, सिर्फ परचेस नहीं बेटा, अगर सेनवैट क्रेडिट चाहिए तो वो यूज होने चाहिए, वो यूज हो गए तो ही क्रेडिट। तो वैट और सेनवैट में पहला डिफरेंस, वैट में परचेस में ही क्रेडिट मिल जाता है, समझ में आया ना पहला, पर सेनवैट में ऐसा नहीं है, सेनवैट की शर्त है कि वो यूज करो तो क्रेडिट, नहीं तो नहीं। तो आगे वो देखो क्या कहते हैं यहां पे, यूज इन अ फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब वो कहते हैं फैक्ट्री में कहीं पे भी यूज करो पर फैक्ट्री में यूज करो। ओके, मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, एक अमेंडमेंट हुई जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है आईपीसी के लिए। चलो अब बेटा एक मैन्युफैक्चरर का स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा सुन लीजिएगा, एनालिसिस आगे बढ़ रहा है और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी फैक्ट्री है पुणे में, फैक्ट्री मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है,
फैक्ट्री है पुणे में, हेड ऑफिस है मुंबई में, वेयरहाउस है समझ लो फैक्ट्री के बाहर है, फैक्ट्री के अंदर नहीं फैक्ट्री के बाहर है, डेपो भी है मेरा। तो सवाल ये है बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से, मेरी फैक्ट्री, मेरा एचओ हेड ऑफिस, उसके बाद में मेरा डेपो, फिर मेरा वेयरहाउस, ठीक है। तो मैंने कैपिटल गुड्स यहां खरीदे, मैंने वेयरहाउस में कैपिटल गुड्स खरीदे, मैंने एचओ में कैपिटल गुड्स खरीदे, मैंने डेपो में कैपिटल गुड्स खरीदे और मैंने फैक्ट्री में कैपिटल गुड्स खरीदे और ये सब मेरी परचेसेस है, तो बताओ सबका क्रेडिट है या सिर्फ फैक्ट्री में का? वो कहते हैं हम क्रेडिट वही कैपिटल गुड्स का देंगे जो यूज इन अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे और ये फाइनल प्रोडक्ट पर एक्साइज आएगी, ये एक्साइज के अगेंस्ट में वही कैपिटल गुड्स के एक्साइज का क्रेडिट देंगे जो फैक्ट्री में यूज किया गया फैक्ट्री में। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी आता है बेटा, लिखा के दूंगा नेक्स्ट पेज पे, सुन लो पहले। इसका इंटरप्रिटेशन ये आता है कि अगर कैपिटल गुड्स आपने ऑफिस में खरीदे आउटसाइड द फैक्ट्री, ऑफिस में खरीदे आउटसाइड द फैक्ट्री, या आपने कैपिटल गुड्स वेयरहाउस में खरीदे या आपने एचओ में खरीदे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा सेनवैट में, एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आता है क्यों बेटा, बस यहां ही मैं बोलता हूं कि अब डिस्कशन जो है फाइनल लेवल पे जाता है और फाइनल लेवल पर मैं आपको बताऊंगा जरूर ओके कि क्यों ऐसा, पर हां हर एक एक लाइन का डिटेल डिस्कशन फाइनल में है, ठीक है, पर बता देता हूं आपको क्यों। थोड़ा सेनवैट ना बेटा कॉन्जर्वेटिव चलता है, वैट ओपन है, वैट में तो बेटा एनी परचेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड एनी परचेस ऑफ इनपुट्स, आपको याद होगा तो परचेसेस एलिजिबल फॉर सेनवैट क्रेडिट, याद है ना, सेनवैट कॉन्जर्वेटिव चलता है। थोड़ा मैं कल वाला डिस्कशन को आगे लू तो थोड़ा मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूं। जैसे बेटा मेरी पहला माइलस्टोन होता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, दूसरा माइलस्टोन होता है फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा माइलस्टोन फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओवरहेड चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली उन्होंने क्या किया पता है क्या, वही कैपिटल गुड्स के क्रेडिट दिए जो फैक्ट्री में यूज हो गए, फैक्ट्री में, यानी जो नीचे वाले कैपिटल गुड्स है जो ऑफिस में यूज हो रहे हैं जिसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ले रहे हैं, अरे है ना, या जो ओके वेयरहाउस या डेपो में अभी तो उसके क्रेडिट नहीं दे रहे, यानी अगर मैं कोई कैपिटल गुड्स ऑफिस में यूज करूंगा, अब मैं आपको सेनवैट का एक ड्रॉबैक बताता हूं जो जीएसटी में नहीं होगा, अभी से बता देता हूं आपको और आपके नॉलेज में रहा तो अच्छी बात है। फैक्ट्री के बाहर के जो कैपिटल गुड्स है उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो आप ऐड कर देते हो सेल्स वैल्यू में, जब आप सेल्स वैल्यू निकालोगे तो आप, क्योंकि वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस है जो ऑफिस में है, वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस है जो डेपो में है और वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस है जो वेयरहाउस में है, तो उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड हो जाती है सेल्स वैल्यू में ओके, और सेल्स वैल्यू पे एक्साइज लगती है, यानी एक्साइज निकालते टाइम वो कॉस्ट एडेड है पर उसका क्रेडिट नहीं है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो वो पोर्शन से रिलेटेड आज भी क्या हो रहा है, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। हम गवर्नमेंट को बहुत सी इंडस्ट्री ने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे हैं भाई उसका क्रेडिट, आप क्यों नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम क्या है आपको क्रेडिट ना देने में, अरे भाई वो भी तो हमने सेल्स वैल्यू में ऐड किया है, आप लेके बैठे हो सिर्फ फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, अरे भाई वो भी तो कॉस्ट है ना हमारी, वो भी तो बिजनेस एक्सपेंसेस है हमारे, पर गवर्नमेंट फिलहाल नहीं दे रही है, सेनवैट में मनमानी है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसका जवाब बेटा ओके गवर्नमेंट के पास ही है, गवर्नमेंट ने सिर्फ फैक्ट्री तक ही दिया है और बाकी का कैस्केडिंग इफेक्ट। पर मैं आपको कह देता हूं जब भी जीएसटी आएगा जीएसटी में ऐसा नहीं होगा, जीएसटी में जो भी बिजनेस में गुड्स खरीदोगे सबके क्रेडिट्स है, सबके क्रेडिट्स, पर फिलहाल ये रिस्ट्रिक्शन है और आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है। सेनवैट थोड़ा कॉन्जर्वेटिव चलता है, पूरा क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ कहां तक का क्रेडिट दे रहा है, फैक्ट्री तक, फैक्ट्री। तो ये शर्त है बेटा कि यूज इन अ फैक्ट्री, तो हम बाद में एक कमेंट लिखेंगे और वो कमेंट ये कि अगर आप एचओ में यूज कर रहे हो या वेयरहाउस में यूज कर रहे हो या डेपो में यूज कर रहे हो तो उसके क्रेडिट्स नहीं। अब ये एक दो मार्क की अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2016 की आपको एप्लीकेबल है वो क्या है बताता हूं। सवाल ये था बेटा
चलो जो ऑफिस फैक्ट्री के बाहर है, जो ऑफिस फैक्ट्री के बाहर है उसके उस वहां अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो उसके क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, मान लिया। पर कभी कभी कुछ ऑफिसेस फैक्ट्री के अंदर होते हैं, ऑफिसेस फैक्ट्री के अंदर होते हैं। जैसे आपने कभी फैक्ट्री देखी होगी तो पूरी प्लांट होता है, प्लांट में एक शेड में मैन्युफैक्चरिंग चलता है और कनेक्टेड ऑफिस होता है, कनेक्टेड ऑफिस होता है फैक्ट्री के अंदर। तो फिर सवाल यह है कि जो ऑफिसेस फैक्ट्री के अंदर है और हमने कैपिटल, आपने क्या कहा कि यूज इन अ फैक्ट्री, अब जो ऑफिस फैक्ट्री के अंदर है वो भी फैक्ट्री का पार्ट है, तो जो ऑफिसेस फैक्ट्री के अंदर है क्या वहां हमने कैपिटल गुड्स खरीदा ऑफिस में? समझ लो ऑफिस में मैंने प्रिंटर खरीदा, ऑफिस में मैंने कंप्यूटर खरीदा फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस में मैंने जेरोक्स मशीन खरीदी, ऑफिस में मैंने फैन खरीदा, ऑफिस में मैंने एसी खरीदा, जो चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90 में आते हैं। कुछ समझा क्या मैंने क्या बोला? चैप्टर नंबर 82, 84, 85, तो ऊपर दिए गए 8 आइटम्स में हमने कोई ऐसा एक आइटम जो ऑफिस में खरीदा, तो क्या हम उसके एक्साइज के इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं क्या? सवाल यह आता है। तो बेटा फाइनेंस एक्ट 2016 के पहले क्रेडिट अलाउड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि नहीं मिलेंगे ऑफिस के, फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस होगा वो ऑफिस के भी नहीं मिलेंगे। पर उन्होंने अब वो डिलीट कर दिया है। डिलीट करने का मतलब ही ये कि अब फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस होगा, रिटेक, फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस होगा बेटा, वहां जो कैपिटल गुड्स यूज होगा उसके भी क्रेडिट, पर फैक्ट्री के अंदर उसके भी क्रेडिट मिलेंगे। इसलिए बेटा राइट साइड में मैंने दिया है उसका मीनिंग, फाइनेंस एक्ट का इंप्लीकेशन क्या हुआ। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे जो हाफ पेज है वहां कमेंट्स लिखो, नेक्स्ट पेज पे जो हाफ पेज है वहां कमेंट लिखो। पहला कमेंट लिखो, मैन्युफैक्चरर कैन टेक अ सेनवैट क्रेडिट, मैन्युफैक्चरर कैन टेक अ सेनवैट क्रेडिट ऑफ सीजी मतलब कैपिटल गुड्स ऑफ सीजी इफ दे आर यूज इन अ फैक्ट्री, यूज इन अ फैक्ट्री विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफिस इन साइड द क्या फैक्ट्री, विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफिस इन साइड द फैक्ट्री। पैराग्राफ चेंज, ही कैनॉट टेक अ सेनवैट क्रेडिट, he cannot take a Sinvad credit of capital goods CG, short form yum karna CG, use in warehouse offices, depot outside the factory, depot outside the factory, is it clear बेटा? तो चलो ये तो वो manufacturer का, तो देखो थोड़ा imagine करना, मैं consultant हूँ, पहला client मेरा manufacturer आया, उसने कहा सर मुझे capital goods के credit देना है, तो मैंने कहा ठीक है, okay, तूने क्या purchase किया बता, chapter number 82, 84, 85, 90, 6804, 6805, pollution control equipment, components, spares and accessories above 1 and 2, mold, eye jigs and fixtures, refractories and refractories material, tube pipes and fittings, thereof storage tank, motor vehicle other than 870203048711, but including dumpers and tippers. तो ये 8 categories होगी, okay, बड़ा 10 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, नींद में भी याद आता है, तो अब यहाँ पे, तो ये 8 categories जो है, ओके, हाँ आप कह सकते हो रट्टा, हाँ, तो अब यहाँ यूज इन अ फैक्ट्री, तो मैं दो सवाल पूछूंगा, मेरा क्लाइंट ये 8 कैटेगरीज में तेरा गुड्स आता है क्या? मेरा क्लाइंट बोलेगा सर मैं तो बिजनेसमैन हूँ, आप देख लो, हाँ मैं देखूँ फिर फीस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो मैंने सेटा ओपन किया या फिर लिस्ट देख ली, हाँ आ गया तेरा है, फिर सेकेंड यूज कहाँ कर रहा है बेटा? फैक्ट्री में, हाँ डन, क्रेडिट मिलेगा। अरे है ना, मैन्युफैक्चरर क्लाइंट चले गया,
दूसरा क्लाइंट आया सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज देता है, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ओके, मीडिया सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस, दुनिया भर की सर्विसेज देता है, तो वो दूसरा क्लाइंट है। नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स का कंसल्टेंट, वो कभी मैन्युफैक्चरर आता है, कभी सर्विस प्रोवाइडर आता है, कभी ट्रेडर आता है। अरे है ना, तो अब समझ लो यहां पे मैं सर्विस प्रोवाइडर है, उसने भी कहा सर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदे, क्या मुझे कैपिटल गुड्स के एक्साइज सर्विस प्रोवाइडर, और ध्यान से आंसर देना, सर कैपिटल गुड्स पे जो एक्साइज मैंने पे की वो एक्साइज का क्रेडिट सर्विस टैक्स में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, सर्विस प्रोवाइडर को एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते ना। नहीं मिलेगा ना, हाँ बोल, हाँ नहीं, सर्विस प्रोवाइडर को जो सर्विस टैक्स देगा, अरे है ना, उसके अगेंस्ट में एक्साइज के क्रेडिट मिलेंगे, हाँ या ना? हाँ, पहले ना बोलता है नालायक। हाँ, तो अब ऐसे केस में उसको भी कैपिटल गुड्स के क्रेडिट मिलेंगे। उसको पूछ ले बेटा क्या कर रहा है, तो बता देना कितने बजे उठाना है। तो यहाँ पे 4 बजे नाल चली। तो ध्यान ध्यान दे, क्लाइंट बैठा है, ध्यान दे, तू ऐसे सोई रही कैसे, आर्टिकल है तू। हाँ, तो क्लाइंट बैठा है, तो अब ऐसे केस में तू अगर मेरे पास आर्टिकलशिप के लिए देख लेना, सोने नहीं दूंगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर चले गया सर्विस रिसिपिएंट क्लाइंट जो है, तो सर्विस रिसिपिएंट समझ लो क्लाइंट, और क्लाइंट ने कैपिटल गुड्स खरीदा समझ लो, तो क्लाइंट ने ओके कैपिटल गुड्स खरीदा, उसके ऊपर क्या लग के आया, एक्साइज। ओके, तो अब ये बेटा एक्साइज उसके ऊपर जो लग के आया, तो ये एक्साइज जो है यहाँ पे सुनिए, क्या वो क्रेडिट ले सकता है सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में? हाँ, ओके, तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में। अब सवाल है कि एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए कैपिटल गुड्स यानी क्या? यही 8 कैटेगरीज, यानी सर्विस प्रोवाइडर होगा तो भी यही 8 कैटेगरीज, मतलब अगर उसका कैपिटल गुड्स चैप्टर नंबर 82, 84, 85 एंड 90, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। सर एक सर्विस प्रोवाइडर को पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्यों लगेगा? समझ लो वो जॉब वर्कर है, अगर याद आ रहा होगा तो जॉब वर्कर की प्रोसेस डज नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चरर, डज नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे केस में जॉब वर्कर है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट चाहिए। ओके, अगर आपने याद होगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ओके जब ब्रिज बनता है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है उसकी, ब्रिज बनता है तो देखो वहां पे ओके पूरा सिस्टम प्लान इंस्टॉल होता है, और प्लान वो जो बिटुमेन होता है डांबर, अरे है ना, ओके, तो उसके लिए जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उनको भी इक्विपमेंट चाहिए, अब वो सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ या ना, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा थर्ड, अगर आप देखो तो थर्ड आप अगर देखो तो कंपोनेंट्स पेयर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर को क्या लगेगा, तो मोल डाइज जिक्स भी लगता है सर्विस प्रोवाइडर को। समझ ले कारपेंटर है, कारपेंटर को कभी देखना उसके पास छोटे छोटे टूल्स और मोल्स होते हैं, डाय होते हैं, अरे आए ना, तो एक कारपेंटर है, फैशन डिजाइनर है, टेलर है, टेलर के पास मोल्ड होते हैं, डाय होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्लीज, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो मोल्ड डाई जिग्स फिक्सर, रिफैक्टरीज, रिफैक्टरीज मटेरियल सर्विस प्रोवाइडर, तो जो 8 कैटेगरीज मैन्युफैक्चरर के लिए वही 8 कैटेगरीज सर्विस प्रोवाइडर। अगर सर्विस प्रोवाइडर ने मोटर व्हीकल का क्रेडिट, हाँ मोटर व्हीकल इज ऑल्सो, मोटर व्हीकल खरीदा सर्विस प्रोवाइडर ने तो उसको भी क्रेडिट मिलेगा एक्साइज का, एक्सेप्ट फॉर मतलब कौन कौन से, एक्सेप्ट फॉर यानी कौन कौन से, अगर सर्विस प्रोवाइडर ने बस खरीदा तो क्रेडिट नहीं, कार खरीदा तो क्रेडिट नहीं, बाइक खरीदा तो क्रेडिट नहीं, इसलिए मैंने जो कार खरीदी है क्रेडिट नहीं, सर को कार बिजनेस के लिए क्रेडिट नहीं, मैंने जो बाइक खरीदी है क्रेडिट नहीं, सर नहीं मतलब नहीं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके अगर ध्यान से सुनिएगा, जो 8 कैटेगरीज मैन्युफैक्चरर के लिए वही 8 कैटेगरीज सर्विस प्रोवाइडर के लिए, प्रोवाइडर के लिए बेटा। तो अब सर्विस पर शर्त क्या है सर? अच्छा, मैन्युफैक्चरर होगा, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर होगा तो यूज इन अ
फैक्ट्री और सर्विस प्रोवाइडर होगा. इसलिए देखो चार्ट का स्ट्रक्चर, यही एट कैटेगरीज मैन्युफैक्चरर और यही एट कैटेगरी सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर होगा तो उसके लिए शर्त क्या है? ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर यूज फॉर प्रोवाइडिंग क्या? आउटपुट सर्विस. मैंने ये टेलीविजन खरीदा, चैप्टर नंबर 85 में आता है यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. मेरी ट्रेनिंग सर्विस के लिए यूज कर रहा हूं जो आप देख रहे हो. ये कैमरा खरीदा, ओके, यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. द मशीन्स आर परचेज यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेस. ओके, अगर मैंने पाइप्स वगैरह खरीदे, समझ लो यहां पूरा डक्टिंग किया, हाँ पाइप्स का भी क्रेडिट है, पूरा डक्टिंग किया, एसी प्लान इंस्टॉल किया और पूरे पाइप्स लगाए हुए हैं, तो यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेस. वो पाइप्स के भी और उसके फिटिंग्स के भी क्रेडिट ले सकता हूं, यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. तो बेटा जो एट कैटेगरीज हमने किसके लिए देखा, जो एट कैटेगरीज हमने मैन्युफैक्चरर के लिए देखा, वही एट कैटेगरीज सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए. इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ अब आगे देखो क्या हुआ. ये अब मैं सिर्फ ये पॉइंट पे फोकस करना चाहूंगा. बेटा ध्यान से सुनो, ये चार गुड्स के क्रेडिट मोटर व्हीकल के ना मैन्युफैक्चरर को है ना सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को क्रेडिट नहीं है ये फोर मोटर व्हीकल के. इसके वजह से कुछ सर्विस प्रोवाइडर नाराज हो गए. आपने अगर एक्साइज का नोट्स लाया होगा, सॉरी सॉरी सर्विस टैक्स का लाया है, सर्विस टैक्स का, चलिए मैं आपको सर्विस टैक्स के नोट्स में मुझे बताइए. ओके साइलेंट प्लीज. अगर सर्विस टैक्स का नोट लाया, ओके नोट्स में पेज नंबर 34 पे आइए, पेज नंबर 34 पे आइए. अब देखिए, नीता ट्रेवल्स प्राइवेट बस ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है. ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अरे हाँ है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा तो टैक्सेबल है. ओके, उसके बाद में ओके कैब ऑपरेटर, कैब ऑपरेटर है तो कैब ऑपरेटर होगा, प्राइवेट कैब ऑपरेटर होगा तो टैक्सेबल है. उसके बाद में बेटा या रेंटिंग ऑफ कार वगैरह जो भी है. तो अब सवाल क्या है, बस के क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा, तो जिनका बिजनेस ही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, नीता ट्रेवल्स, प्रसन्ना ट्रेवल्स, अरे हाँ, वो डर गए. वो क्यों डर गए? क्योंकि यार हमारा मेन कैपिटल गुड्स ही बस है, मेन कैपिटल गुड्स ही बस है. ओके, जो यहां पे कैब देते हैं, कार रेंट पे देते हैं या टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते, प्राइवेट टैक्सी, मीटर नहीं, कौन सी प्राइवेट टैक्स, वो भी डर गए. डिफॉल्ट क्लॉज, स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर डर गए. उनका ये कहना था, अरे ऐसा कैसा यार, मेरा मेन कैपिटल गुड जिस पे मैं बिजनेस करता हूं वही बस है, मेरा मेन कैपिटल गुड्स ही कार है और वो टैक्सेबल सर्विस में आता है जहां वो यूज करके सर्विसेज दे रहे हैं. कुरियर, कुरियर, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, नेक्स्ट पेज पे गुड्स ट्रांसपोर्ट दिखेगा. गुड्स ट्रांसपोर्ट में ट्रक जीटीए, जीटीए याद आया क्या? जीटीए डर गया. ओके, क्योंकि आपने ट्रक के क्रेडिट नहीं दिए. अब गुड्स, जीटीए का मेन बिजनेस ही ट्रक पे. उसके बाद में कुरियर एजेंसी, कुरियर एजेंसी टैक्सेबल है तो वो डर गए, क्योंकि उनको भी व्हीकल चाहिए और उनका मेन गुड्स व्हीकल है. तो ऐसे केस में कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोटेस्ट कर दिया कि ये गलत है यार, आप भाई विशाल सर को मत दो क्योंकि उनका बिजनेस ट्रेनिंग कोचिंग है. अरे है ना, उनका मेन कैपिटल गुड्स कार नहीं है भाई. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी, एडवर्टाइजमेंट, भाई जिनके मेन बिजनेस बस वगैरह नहीं है उनको मत दो यार, पर हमारा मेन बिजनेस ही बसेस कार पे है. मोटर ड्राइविंग स्कूल है, उठ बेटा. ओके, तो मोटर ड्राइविंग स्कूल है तो मोटर ड्राइविंग स्कूल का मेन बिजनेस ही किसके ऊपर है? कार पे. इज इट क्लियर? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशली मोटर व्हीकल के लिए क्लॉज बी और सी एड किया कि भाई मिलेगा, मिलेगा. ए में नहीं दिया, ए में तो समझ लो किसी को नहीं दिया, पर बी और सी कुछ सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऐड किया और कहा, अलग से कहा बी में और सी में कि हां अगर ये सर्विस प्रोवाइडर हो गए तो इन्हें मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा. समझ में आया? तो देखो बी और सी यहां पे मैं रीड करना चाहूंगा. अब देखो वो क्या कहते हैं, क्लॉज बी, द फॉलोइंग गुड्स नेमली, देखिएगा,
मोटर व्हीकल, ये बताओ बी सभी कैपिटल गुड्स का है या सिर्फ मोटर व्हीकल का? मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जो किसके लिए बनाया गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब ट्रक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर। हाँ, पर हमारी शर्त क्या है? हम ट्रक के क्रेडिट देने के लिए रेडी हो गए, पर हमारी शर्त है कि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को ही देंगे, मैन्युफैक्चरर नहीं। किसको देंगे? रजिस्टर इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और वो सभी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देंगे। ओके, सभी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देंगे, फिर किसको देंगे? तो जो नीचे दी गई सर्विसेज दे रहा है, ओके, जो नीचे दी गई सर्विसेज दे रहा है उनको ही ट्रक के क्रेडिट देंगे। तो कौन कौन सी? पहला, प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब जो अपने ट्रक का उसका बिजनेस ही रेंटिंग है, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेबल है, अरे है ना, तो जिसका बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है वो मोटर व्हीकल के क्रेडिट ले सकता है एज अ कैपिटल गुड्स, क्योंकि उसका बिजनेस ही मोटर व्हीकल के बेस पे है। उसके बाद में, ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, हाँ, अगर, और देखो पहला तो रेंटिंग, जिसका बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है उसे मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा सुनिए, दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेस, यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेस, मतलब आपकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स इधर से उधर शिफ्ट करने पड़ते हैं, और वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए अगर मोटर व्हीकल जरूरी होगा तो आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल जाए। पर आप आगे प्रूव करो कि आपके मटेरियल शिफ्ट करने के लिए ओके मोटर व्हीकल आपको चाहिए। सर एग्जांपल, एग्जांपल है बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पंडाल एंड शामियाना, शामियाना बांधते हैं ना, पंडाल बांधते हैं ना, ओके, अब उनकी सर्विस है पंडाल और शामियाना, क्योंकि बताओ वो शामियाना और पंडाल जो आपको दो दिन के लिए तीन दिन के इंस्टॉल करके देते हैं वो गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस है? सर्विस है, आपको वो यूज करने दे रहे हैं, सर्विस है। अब उनका बिजनेस का ही नेचर ऐसा है कि उनको एक दो दिन का यहां प्रोग्राम हो गया कि फिर सब मटेरियल जमा करना पड़ता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, और उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मोटर व्हीकल जरूरी है। कार्गो हैंडलिंग सर्विस, जिसका बिजनेस ये, जिसको हम मूवर्स एंड पैकर्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवर्स एंड पैकर्स, और उनका बिजनेस ही ऐसा है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह गुड शिफ्ट करने के लिए मोटर व्हीकल चाहिए। तीसरा बेटा, कैटरिंग सर्विस, एक कैटरर है, ओके, कैटरर्स होगा तो उसको भी फूड वगैरह शिफ्ट करने के लिए एक मोटर व्हीकल चाहिए। तीसरा, साउंड इंजीनियरिंग सर्विस, डीजे सर्विस, डीजे सर्विसेज दे रहा है उसको भी अपने स्पीकर, अरे है ना, मशीन स्पीकर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो आके प्रूव करे कि उसके बिजनेस में उसका मटेरियल शिफ्ट करने के लिए मोटर व्हीकल जरूरी है, इनपुट्स और कैपिटल गुड शिफ्ट करने के लिए मोटर व्हीकल जरूरी है, चलो हमारे से क्रेडिट लेके जाओ, फिर ले लो मोटर व्हीकल का, फिर आप ट्रक का क्रेडिट ले लो या जो भी मोटर व्हीकल खरीदा होगा आपने फॉर शिफ्टिंग ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स उसके क्रेडिट ले लेना हमारे से। ओके, और तीसरा देखो वो क्या कहता है, प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस और कुरियर एजेंसी, बस ये तीन ही सेक्टर जहां आपको ट्रक के क्रेडिट मिलेंगे। पहला आपका रेंटिंग का बिजनेस है तो ट्रक के क्रेडिट है, दूसरा आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि मटेरियल शिफ्टिंग के लिए मोटर व्हीकल चाहिए, अरे है ना, और तीसरा, तीसरा क्या, ओके कुरियर सर्विस, ओके ओके कुरियर सर्विस, अगर कुरियर सर्विस होगा तो ही आपको क्या क्रेडिट मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने क्लॉज बी पढ़ा, ये मोटर व्हीकल कौन सा, पैसेंजर वाला या गुड्स वाला? यानी ट्रक, ठीक है। अब देखो यहां पे, मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी क्या, पैसेंजर्स, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जो ऐसा मोटर व्हीकल खरीद रहा है बस कार जिसमें पैसेंजर जाते हैं, तो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर इन द नेम ऑफ प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस व्हेन यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। अच्छा, ये भी मोटर व्हीकल किसके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, हाँ, और अगर उसकी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स होगी, नीता ट्रेवल्स अभी एग्जाम्पल लिया था, उसकी सर्विस ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में आता है, तो वो बस का क्रेडिट ले सकता है,
उसके बाद में रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल या उसकी रेंटिंग सर्विस होगी, वो कार हायर पे देता होगा, तो उसका कार हायर पे देना ही सर्विस है तो क्रेडिट मिलेगा। या फिर यहां पे थर्ड क्या बेटा, मोटर ड्राइविंग स्कूल। अगर मोटर ड्राइविंग स्कूल है तो ना मेन कैपिटल गुड्स ही कार है तो क्रेडिट मिल जाएगा। चलो फटाफट बताओ, बस कार के क्रेडिट क्या सभी सर्विस प्रोवाइडर को है या सिर्फ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर को? किसको है, किसको है? जिसकी सर्विस ही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या रेंटिंग या फिर मोटर ड्राइविंग। अच्छा, ट्रक के क्रेडिट सबको है या स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर? किसको किसको है? जिसका सर्विस रेंटिंग होगा, रेंटिंग ऑफ ट्रक, या फिर दूसरा उसके मटेरियल शिफ्टिंग के लिए गुड्स की जरूरी है, अरे है ना, और तीसरा क्या बेटा, कुरियर सर्विस। इसके अलावा बस कार बाइक अरे है ना और ट्रक के क्रेडिट ना मैन्युफैक्चरर को ना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, कार के क्रेडिट तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में आने के लिए और ऑफिस से क्लाइंट साइट पे ले जाने के लिए कार खरीद रहा हो उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट बेटा, लास्ट ये देखो डी क्लॉज, कंपोनेंट स्पेयर्स एंड एसेसरीज। क्या क्या? कंपोनेंट स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल विच आर द कैपिटल गुड्स फॉर द एसेसरी। हाँ, ख्याल से सुनिएगा, अगर मोटर व्हीकल क्लॉज ए बी और सी में आपका कैपिटल गुड्स होगा तो उसका कंपोनेंट्स खरीदोगे तो भी कैपिटल गुड्स। अच्छा बताओ, क्लॉज में कौन से मोटर व्हीकल सबके लिए कैपिटल गुड्स है? कौन से मोटर व्हीकल सबके लिए कैपिटल गुड्स है? जो सबको मतलब मैन्युफैक्चर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर, डंपर्स एंड टिप्पर्स, वो मैन्युफैक्चर ले या सर्विस प्रोवाइडर ले, मिल जाएगा। ट्रॉली मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, बाकी रोड रोलर वगैरह जो भी होगा तो मिल जाएगा, अरे है ना। तो अगर अगर बेटा ये उसके लिए कैपिटल गुड्स होगा, ओके, ये उनके लिए, ये तो मैन्युफैक्चर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर, ये उनके लिए कैपिटल गुड्स है, तो अब समझ लो रोड रोलर का पिस्टन लाया, कंपोनेंट लाया, तो पिस्टन का भी क्रेडिट मिल जाए, ओके, उसके बाद में हाँ मिल जाएगा एज अ कैप, पर एज अ कैपिटल गुड। रोड रोलर का टायर लाया, मिल जाएगा एज अ कैपिटल गुड्स। लेकिन एक मैन्युफैक्चर ने बस खरीदी तो बस का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को नहीं है, तो अब बस का टायर लाया, वो क्लास क्लॉज में क्या कहते पता है क्या? अगर आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता होगा एज अ मोटर व्हीकल तो उसके कंपोनेंट स्पेयर्स का भी क्रेडिट मिलेगा एज अ कैपिटल गुड्स, अरे है ना। पर अगर आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसके कंपोनेंट स्पेयर्स का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, ओके, नीता ट्रेवल्स जिसकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसने बस खरीदा और बस का टायर भी खरीदा है, तो बस का मिलता है तो उसके टायर का मिलता है। इज इट क्लियर? इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज क्या, कैपिटल गुड्स। ओके तो बेटा चलो फटाफट एक बार वो एट कैटेगरीज फटाफट एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, वो एट कैटेगरीज, ओके, मेरे साथ नुकसान नहीं होगा, फास्ट में चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 96A04, 96A05 एंड वैगन्स, दूसरा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तीसरा मोल्डाइज जिग्स एंड फिक्सर्स, चौथा रिफैक्ट्रीज एंड रिफैक्ट्रीज मटेरियल, ओके, कंपोनेंट्स स्पेयर्स एसेसरीज वो रह गया था, चौथा ओके ट्यूब पाइप्स एंड फिटिंग्स थेरऑफ, नेक्स्ट स्टोरेज टैंक, मोटर व्हीकल के क्रेडिट मिलेंगे अदर देन फोर इंक्लूडिंग डंपर्स एंड टिपर्स, ओके, मैन्युफैक्चर होगा तो फैक्ट्री में यूज करना जरूरी है, मैन्युफैक्चर होगा तो फैक्ट्री में यूज करना जरूरी है, और सर्विस प्रोवाइडर होगा तो एक बात बता देता हूं, सर्विस प्रोवाइडर होगा तो जरूरी नहीं सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज इन अ प्रीमाइसेस का है या यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर साइट पे भी यूज करेगा, ओके, तो भी मिल जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सिर्फ इतना प्रूव कर दे कि सर्विस के लिए यूज कर रहा है। समझ लो कॉन्क्रीट मिक्स मशीन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्क्रीट मिक्स मशीन, अब वो प्रीमाइस में यूज करके करेगा क्या, वो तो साइट पे यूज करेगा, समझ में आया ना। तो ऐसे केस में यहां पे सर्विस प्रोवाइडर होगा बेटा, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए बस इतनी ही शर्त है कि यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, खत्म,
वो प्रीमाइस में यूज करे या प्रीमाइस के बाहर, पर मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री के बाहर यूज नहीं करना चाहिए। ओके चलो, अब बेटा एक लास्ट पॉइंट ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा आपको, मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री के बाहर नहीं यूज करना चाहिए, यूज इन अ फैक्ट्री। अब एक अमेंडमेंट हुई, जो ऑफिस इनसाइड द फैक्ट्री है उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अब देखो बेटा क्या, सेकंड वन है, ये पढ़ा देता हूं। वन है, मैन्युफैक्चरर अगर यूज आउटसाइड द फैक्ट्री होगा, मैंने क्या कहा, आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉर जनरेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी और फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। कैप्टिव यूज पता है आपको, कैप्टिव कंजम्पशन। हाँ, थोड़ा सिंपल वर्ड में समझ लो, अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा एट कैटेगरीज में का, और वो फैक्ट्री में यूज नहीं कर रहा है, कहां यूज कर रहा है, आउटसाइड द फैक्ट्री, और वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन अ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी उसने बेची नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या फैक्ट्री में वापस कंज्यूम की, तो उसने क्यों ना फैक्ट्री के बाहर यूज किया होगा, पर उसका क्रेडिट वो ले सकता है। पर शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, पंपिंग ऑफ वाटर। ओके, वाटर पंपिंग प्लांट होते हैं। ओके, तो वाटर पंपिंग प्लांट बाहर है फैक्ट्री के, जनरली दो प्लांट बाहर होते हैं फैक्ट्री के, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक वाटर पंपिंग। तो वाटर पंपिंग प्लांट आपके अगर बाहर हो गए, पर वो जो वाटर पंप किया गया होगा, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्री को वाटर चाहिए, अरे है ना, वाटर जैसे वो रिवर पे इंस्टॉल करते हैं वाटर पंपिंग प्लांट, और वहां से फिर पानी खींचते हैं, ये समझ में आया ना, तो क्यों ना फैक्ट्री के बाहर वाटर पंपिंग प्लांट होगा, और वहां से वाटर जो पंप किया होगा वो फैक्ट्री में ही यूज होना चाहिए। अगर वो फैक्ट्री में यूज होगा तो ऐसे केस में जो बाहर आपके जो वाटर पंपिंग प्लांट है उसमें जो कैपिटल गुड्स यूज किया उसके भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो चलो बताओ कौन से ऐसे दो एक्सेप्शन है मैन्युफैक्चरर को जहां कैपिटल गुड्स फैक्ट्री के बाहर यूज किया तो भी मिल जाएगा, एक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा वाटर पंपिंग प्लांट। फर्स्ट डेफिनेशन इज ओवर, चलो सेकंड डेफिनेशन। अकल लगाई होगी तो 2A खत्म हो गया, अब हम देखेंगे 2K। 2K क्या, इनपुट्स। ध्यान से सुनो, और मैं कहता हूं आज तक आईपीसी में जब भी क्वेश्चन पूछे, ओके 80-90% क्वेश्चन अकल पर ही है। अगर अकल आ गई इसके आगे का मतलब बहुत रेयर क्वेश्चंस है, अकल पे ही है। इसके क्रेडिट मिलेगे क्या, उसके क्रेडिट मिलेगे क्या, वाटर पंपिंग प्लांट के कैपिटल गुड्स यूज किए मिलेगे क्या, आउटसाइड द फैक्ट्री यूज किए मिलेगे क्या, ऑफिस में यूज किए मिलेगे क्या, समझ में आया, बस इतना ही डिसीजन लेना है आपको। चलो अब सेकंड डेफिनेशन बेटा, इनपुट्स। आगे बढ़ने के पहले ध्यान से सुनिएगा, बात वहां तक पहुंच जाए, आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो मैं दे देता हूं। अब बेटा सुनिए, जैसे वापस एक बार कॉस्ट शीट पर उसको बेस लेके इनपुट की डेफिनेशन समझाना चाहूंगा एक बार फिर से। कैपिटल गुड्स आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है या जो 8 कैटेगरीज वो है, अकाउंटिंग से बाजू में रख देना, जो वो 8 कैटेगरीज दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ जो बोला वो कैपिटल गुड्स है। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, आपकी कॉस्ट शीट याद दिला दूं तो एक मेजर पॉलिसी आपके साथ डिस्कस करनी है, थोड़ा सीरियस मोड पे सुनना, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया, अगर आपको चाहिए तो और दे दूंगा, पर अभी मुझे सीरियस मोड पे सुनना। कॉस्ट शीट में आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल, कोई बताया गया डायरेक्ट मटेरियल है क्या, जो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, जो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, जो दिखता है कि फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहा है। देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर, ठीक है, ओवरहेड, ठीक है, वो हमने देख लिया। अच्छा ओवरहेड में मुझे बताइए, पैकिंग मटेरियल खरीदा, अरे आया ना, पैकिंग मटेरियल खरीदा तो क्या हो जाएगा ओवरहेड कॉस्ट में, मतलब डायरेक्ट ओवरहेड
जो डायरेक्ट पैकिंग मटेरियल, जैसे चॉकलेट के लिए रैपर डायरेक्ट मटेरियल है। अरे है ना, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनी, पर टूथपेस्ट बनने के बाद इंसिडेंटल और एंसिलरी प्रोसेस। कुछ याद आया क्या? फॉर कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, टूथपेस्ट के लिए पैकिंग, ट्यूब पैकिंग, इंसिडेंटल और उसकी कॉस्ट लगी। तो जहां तक देखा जाए बेटा, ये पैकिंग कॉस्ट है। चलो ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, पर एक्स्ट्रा मटेरियल जो जरूरी है, ठीक है, इस पर भी तो एक्साइज लगी होगी, इस पर भी एक्साइज लगी होगी जो आपने खरीदी किया। फिर बेटा चलो ये प्राइम कॉस्ट हुई, फिर आपने कुछ फैक्ट्री कॉस्ट भी लगी होगी। ये बताओ कि मशीनरी को मेंटेन करने के लिए आपने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लाया, और जरूरी है वो मशीन में बार बार डाला जाया जाए कि फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मशीन्स। आपने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल खरीदा, आपने कटिंग ऑयल खरीदा, ग्रीस खरीदा, ओके, नाउ फैक्ट्री में छोटे छोटे ट्रे खरीदे टू मूव द रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, वो ट्रे क्रेट्स आते हैं। हेलमेट खरीदा प्रोटेक्शन के लिए। अब सवाल यह है बेटा कि ये जो मटेरियल आप फैक्ट्री में खरीद रहे हो, नो डाउट फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, ओके, तो जो मटेरियल आपने फैक्ट्री में खरीदे, जो ल्यूब्रिकेटिंग्स है, अब ल्यूब्रिकेटिंग के आपने 25 कैंस खरीदी, आपको जरूरत है ये मंथ में, 25 कैंस पे एक्साइज लग के आया, जो आप मशीन में यूज करते हो, ग्रीस के बॉक्सेस खरीदे, या फिर आपने हेलमेट्स खरीदे, या एज ए सेफ्टी अप्लायंसेस अगर, या अदर मटेरियल खरीदे जो फैक्ट्री में, फैक्ट्री में लाइट्स खरीदे, अब ये लाइट्स, ल्यूब्रिकेटिंग, ग्रीस, ओके, ये जो खरीदा ये कैपिटल गुड्स में नहीं आता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स में जनरली मशीनरीज आती है, चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90। अरे है ना, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो फिर सवाल ये है, एक पॉलिसी आपसे डिस्कस करना है, सवाल ये है बेटा कि क्या मैं इनपुट्स में सिर्फ रॉ मटेरियल का ही क्रेडिट दूं जो डायरेक्ट यूज होता है, या अदर मटेरियल का भी क्रेडिट मिलना चाहिए? अदर मटेरियल का भी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी कॉस्ट में एडेड है। कन्विंस हो रहे हो ना आप? पॉलिसी फिक्स करना है आपसे, भूलोगे नहीं बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप डीएनडी नहीं होगे, सो नहीं रहोगे ना, तो मेरा हर वर्ड काम में आएगा आपको फ्यूचर में, और याद करोगे आप मुझे, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इन्वेस्ट ही हुआ है, प्रोवाइडेड दैट यू आर नॉट डीएनडी, ओके। तो अब सवाल यह है, ओके, और मैं ये कह रहा हूं, जब आप बॉस को कहोगे ना कि नहीं 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 रॉ मटेरियल और अदर मटेरियल का भी क्रेडिट मिलता है, इंप्रेस होगा, जरूर इंप्रेस होगा कि यार आईपीसी लेवल पे पता है इसको कि क्या क्रेडिट्स मिलते हैं। हाँ, तो नहीं नहीं क्लास की बात नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्ट तो थोड़ा, अब बेटा वो जो मटेरियल, इसके भी क्रेडिट मिलने चाहिए, क्या लॉजिक है इसके भी मटेरियल क्रेडिट मिलने चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट में इंक्लूडेड है, नहीं दिया तो कैस्केडिंग इफेक्ट। तो फिर मैं इनपुट्स की डेफिनेशन कैसे ड्राफ्ट करूं, क्या इतना कहो कि इनपुट्स है ने रॉ मटेरियल, या इनपुट्स है ने ऑल गुड्स यूज इन अ फैक्ट्री, कौन सा लो? क्योंकि ऑल गुड्स में फिर लुब्रिकेटिंग भी आ जाएगा, ऑल गुड्स में ग्रीस भी आ जाएगा, ऑल गुड्स में ट्रे भी आ जाएंगे, अरे है ना, ऑल गुड्स में क्रेट्स भी आ जाएंगे, ऑल गुड्स में लाइट्स भी आ जाएंगे। तो आपको क्या, कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती है इनपुट्स की डेफिनेशन, ओनली रॉ मटेरियल या ऑल गुड्स? देखो पहला ही लाइन देखो उसका क्या लाइन, इनपुट्स मतलब क्या, क्लॉज वन, उन्होंने रॉ मटेरियल नहीं कहा, रॉ मटेरियल नहीं कहा, उन्होंने कहा ऑल गुड्स यूज इन अ फैक्ट्री। हाँ, पर ख्याल रहे फैक्ट्री के बाहर नहीं, यानी यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए जो इनपुट्स आप ऑफिस में यूज करोगे, वेयरहाउस में यूज करोगे, डेपो पे यूज करोगे, उसके क्रेडिट्स फिलहाल तो नहीं है, जीएसटी में है, और मानता हूं मैं ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहे हैं, और अब आप भी समझ के चलो हो रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से।
तो वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, डेफिनेशन का ऑल गुड्स, सभी गुड्स यार, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ ओनली फॉर रॉ मटेरियल। आपने पैकिंग मटेरियल खरीदा मिलेगा, लिब्रेटिंग खरीदा मिलेगा, आपने लाइट्स खरीदे मिलेगा, आपने लाइट के स्टैंड खरीदे मिलेगा, ऑल गुड्स, पर शर्त इतनी है कहां यूज होना चाहिए फैक्ट्री, फैक्ट्री। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ऐसे ही चलना कि पहले थॉट प्रोसेस है, मैं सबके क्रेडिट दे दूंगा, ऑल सबके क्रेडिट दूंगा, पर शर्त इतनी है फैक्ट्री। इसलिए अगर 8 कैटेगरीज में आते हैं तो कैपिटल गुड्स, और 8 कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो इनपुट्स, 8 कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो, क्योंकि इनपुट्स तो कहते हैं ऑल सबके देंगे, यूज इन अ फैक्ट्री। फिर बेटा मैं अगेन एक वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा, क्या यूज। तो देखो लास्ट यूज होने चाहिए, तो सेनवैट परचेस से ज्यादा यूज पे एम्फोसाइज करता है। अरे भाई तूने परचेस किया होगा, वो जाने दे, हमें ये बता कि तूने यूज किया, यूज इन अ फैक्ट्री। कभी कभी ऐसा होता है, आगे आएगा कि आपने परचेस कर लिया, स्टॉक में पड़ा था और आपने स्टॉक से ही उसको सेल कर दिया, यूज ही नहीं किया उसको, तो उसके क्रेडिट्स एक्साइज के नहीं मिलेंगे, एक्साइज के नहीं मिलेंगे, वैट के मिल सकते हैं क्योंकि वैट परचेस और सेल पे लगता है, अरे है ना, पर एक्साइज के नहीं। एक्साइज के लिए शर्त ये है कि इट शुड बी यूज इन अ फैक्ट्री, यूज होने चाहिए। ओके चलो, तो ऑल गुड्स का जो है, तो थोड़ा हम अगर नेक्स्ट पेज पे इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं बेटा। देखो थीम ऐसा लगाना, सभी के क्रेडिट दे देना, बस शर्त कौन सी, यूज इन इफेक्ट। पहला, हमने प्लास्टिक ट्रे खरीदे इन अ फैक्ट्री टू मूव द रॉ मटेरियल, मिलेगा क्या? नहीं, वो गुड्स के तरफ ध्यान ही मत देना, प्रिंसिपल पे तरफ ध्यान देना। प्रिंसिपल क्या है इन अ फैक्ट्री? मैं तो इतना कहूंगा लाइट्स परचेस एंड यूज इन अ फैक्ट्री, मिल जाएगा। तो पहली बात वो स्टूडेंट को कह दू कि ये मत समझना इनपुट मतलब वही जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो इनपुट्स है ही, वो तो हमारा मेन इनपुट्स है, पर बाकी सब जो परचेस होगा उसका भी क्रेडिट मिलेगा। ओके दूसरा, पेंट यूज फॉर पेंटिंग मशीनरी इन अ फैक्ट्री। मैंने फैक्ट्री को मशीनरी को पेंट करने के लिए पेंट लाया, बेटा मैंने मशीन लाया या पेंट लाया? मशीन लाता तो कैपिटल गुड्स, अरे मैंने पेंट लाया, और पेंट कहां यूज कर रहा हूं, फैक्ट्री में, एनी पर्पस, कोई भी पर्पस, बस फैक्ट्री में यूज कर यार, तू फैक्ट्री में पेंटिंग के लिए यूज कर, फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज कर, बस फैक्ट्री में यूज कर, यूज इन अ फैक्ट्री, कोई भी पर्पस के लिए यूज कर, बट यूज इन अ फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, समझ में आया ना, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पेंट का भी मिलेगा। अच्छा, पैकिंग मटेरियल यूज इन अ फैक्ट्री, मिल जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीस और कटिंग ऑयल यूज फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री, बताओ क्या मिल जाएगा? है ना, फैक्ट्री में यूज किया ना, मिल जाएगा। मतलब मैं एक मैसेज दे रहा हूं, अगर आपको मिल रहा होगा तो, ये जरूरी नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में ही यूज होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए, बस इतना ही जरूरी है कि फैक्ट्री में यूज होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो फैक्ट्री में यूज होना चाहिए जो आपके फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट होता है, जो प्राइम को, देखो जो प्राइम कॉस्ट, दोनों डिफरेंस बताता हूं अगर आप जानना चाहते हो। प्राइम मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, प्राइम मतलब जो डायरेक्ट यूज हो रहा है, समझ में आया? और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या रहता है बताया, कि जो डायरेक्ट नहीं पर ओवरहेड है, जो प्रोसेस के लिए जरूरी है या जो फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी है, समझ में आया? तो यहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिल जाएगा। उसके बाद में अमोनिया पेपर यूज, देखो अमोनिया पेपर लाया, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रॉइंग इन R&D डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री। मुझे बताओ अमोनिया पेपर खरीदा, क्या मिलेगा? इनपुट्स। इसलिए आप अमोनिया पेपर वो, या हेलमेट हो, या प्लास्टिक ट्रे हो, या पेंट हो, गुड्स की तरफ ध्यान मत देना, ध्यान किसके तरफ देना, यूज इन अ फैक्ट्री, यूज इन अ फैक्ट्री। नेक्स्ट बेटा, सेफ्टी अप्लायंसेस यानी हेलमेट यूज बाय वर्कमैन इन अ फैक्ट्री, क्रेडिट मिल जाएगा। या इनपुट्स आर यूज इन अ ट्रायल रन,
ट्रायल रन में भी यूज किया तो भी यूज इन अ फैक्ट्री मिल जाएगा। सब एग्जाम में पूछा हुआ है फाइनल के, क्योंकि सेनवेट तो अभी आईपीसी में आया और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। ओके, पर जो ये बेसिक क्वेश्चंस है फाइनल के क्वेश्चंस आईपीसी में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस। तो चलो फिर एक कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। वर्ड है इनपुट्स मस्ट बी यूज इन अ क्या फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज होगा, वर्ड है यूज हाँ इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज होगा तो क्रेडिट मिलेंगे। अब सवाल क्या है बेटा, देखो सवाल ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर ने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है 1 लाख का और एक्साइज ड्यूटी 10,000, पेमेंट कर दिया 1 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी क्या 10,000। ओके, गुड्स वहां से डिस्पैच भी हो गया, पर फैक्ट्री में आने के पहले इन ट्रांजिट, आई रिपीट, फैक्ट्री में आने के पहले इन ट्रांजिट लॉस्ट, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लॉस, और गुड्स आए नहीं पर पेमेंट हो गए थे, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? वर्ड है परचेस नहीं, यूज, परचेस नहीं, यूज इन अ फैक्ट्री, और वो यूज नहीं है। सर बट पेमेंट किया था ना, नहीं। अरे सर बट नहीं। सर बिजनेस एक्सपेंसेस, नहीं। यूज हुए क्या? नहीं ना, खत्म, क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे चलो, जैसे एग्जाम्पल, चलो और बेटा यहां जगह नहीं होगी तो राइट साइड में स्टूडेंट नोट की जगह यूज कर लेना, वो भी नहीं है क्या, तो ठीक है ना, डायग्राम की बाजू की जगह यूज कर लेना। चलो लिखो, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। अ कंसाइनमेंट ऑफ 1000 केजी ऑफ इनपुट्स वाज रिसीव्ड, एक्साइज ड्यूटी पेड एज पर 10,000, व्हाइल इनपुट्स आर इन ट्रांजिट, जब इनपुट्स ट्रांजिट में थे 100 केजी वेर डिस्ट्रॉयड एंड इट वॉज फाउंड दैट दिस वेर नॉट यूजेबल, स्टेट द एलिजिबिलिटी ऑफ सेनवेट क्रेडिट। पहले जब आपने कितने क्वांटिटी खरीदी थी 1000, ये 1000 पे एक्साइज कितना था, अरे 1000 पे एक्साइज कितना था 10,000, अरे है ना, तो 1000 पे 10,000 उसमें से 100 क्वांटिटी ट्रांजिट लॉस है जो यूज नहीं, तो पूरा क्रेडिट जाएगा या 100 का ही जाएगा, 100 का ही जाएगा, 100 का प्रोपोर्शनल क्रेडिट कितना होता है 1000, यानी आपको 1000 नहीं मिलेगा पर रिमेनिंग, उन्होंने पूछा स्टेट द एलिजिबिलिटी, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1000 नहीं मिलेगा पर रिमेनिंग 9,000 मिल जाएगा। चलो कैसे लिखना, लिखो और आप यहां से स्टार्ट करो और जगह यहां की भी यूज कर लेना, ठीक है, तो चलो लिखो, लिखो एज पर रूल 2K, लिखो एज पर रूल 2K, रूल 2K, क्रेडिट ऑफ इनपुट्स, क्रेडिट ऑफ इनपुट, क्रेडिट ऑफ इनपुट इज अवेलेबल, क्रेडिट ऑफ इनपुट इज अवेलेबल इफ दे आर यूज, पूरा लिखना, इफ दे आर यूज, यूएसईडी और उसको इन्वर्टेड कॉलम कॉमम लेना, दे आर यूज इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री, ठीक है बेटा, देखो इन गिवन केस, इन गिवन केस इनपुट्स आर लॉस इन ट्रांजिट, इनपुट्स आर लॉस इन ट्रांजिट बिफोर यूज, बिफोर यूज, हेंस सेनवेट क्रेडिट ऑफ 100 केजीज ऑफ इनपुट्स, सेनवेट क्रेडिट ऑफ 100 केजीज ऑफ इनपुट्स टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1000, टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1000 इज नॉट अवेलेबल, टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1000 इज नॉट अवेलेबल बट मैन्युफैक्चरर कैन टेक
manufacturer can take a SenVat credit of remaining inputs, remaining 900 kgs of inputs. 900 kgs of inputs to the extent of rupees 9000. To the extent of rupees 9000. चलिए क्वेश्चन नंबर टू वो भी यूज पे ही है. और कंसाइनमेंट अब देखो बेटा क्या हुआ, कंसाइनमेंट फैक्ट्री में रिसीव हो गया था, रिसीव हुआ था, स्टोर में पड़ा था, इनपुट आ गया था, रिसीव भी हुआ, स्टोर में पड़ा हुआ है, अरे आया ना, पर स्टोर में ही आग लग गई और डिस्ट्रॉय हो गया और वो यूज नहीं हुआ. इंटेंशन था यूज करने का, इंटेंशन था पर वो यूज नहीं हो पाया. क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. इंटेंशन नहीं, इट शुड बी यूज, इट शुड बी यूज तो ही मिलेगा. तो देखो यहां पे अ कंसाइनमेंट ऑफ 1000 केजी ऑफ इनपुट वाज रिसीव्ड, एक्साइज ड्यूटी पेड वाज एज पर इनवॉइस 10000. कितना एक्साइज दिया? रिसीव हो गया. जो तो बताओ केस वन और केस टू में क्या डिफरेंस है? केस वन में ट्रांजिट लॉस है, यहां आ गया था, रिसीव हो गया था. वाइल ओके while inputs were lying in stock, 50 kg were damaged and it was found that these were not usable, state eligibility of SenVat credit. To batao 50 kg usable nahi hai aur stock mein damage ho gaya to 50 ka nahi milega, remaining milega. Again waisa hi likho, likho wapas, thoda aapki practice bhi ho jayegi. As per rule 2k, SenVat credit of inputs, SenVat credit of inputs is available if they are used, if they are used in a factory, they are used in a factory. ठीक है. In given case, 50 kg of inputs, 50 kg of inputs lost in storeroom, lost in storeroom without use, hence not eligible for credit to the extent of rupees 500, to the extent of rupees 500, and remaining 9500 credit is available, remaining 9500 rupees credit is available. तीसरा देखो बेटा, इनपुट्स आया था, एक केस स्टडी और लेता हूं, ध्यान से देखना प्लीज प्लीज. इनपुट आ गया था, रिसीव्ड, प्रोसेस भी चालू हो गई थी, यानी यूज भी हो गया, यूज हाँ, पर WIP में, ध्यान से सुनो, WIP में लॉस्ट हुआ, तो वो कंज्यूम नहीं हुआ पर यूज हो गया. फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं हुआ पर यूज हो गया, मिलेगा क्या? उनकी शर्त बद क्या है? यूज. उन्होंने ये नहीं कहा कि कंज्यूम इन फाइनल प्रोडक्ट, उन्होंने कहा सिर्फ क्या? यूज. तो WIP में जो लॉस होता है वो यूज हो गया, ठीक है, तो क्रेडिट मिलेगा. चलो लिखो इसका देखो क्वेश्चन नंबर थ्री देखना. 500 पीसेस, पहले तो देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं. 500 पीसेस ऑफ इनपुट्स वेर रिसीव्ड, ड्यूटी पेड ऑन दिस गुड्स वेर 2500. These were issued to production. While on production line, मतलब क्या? WIP. Fire broke out. 200 pieces of input lying in shop floor were destroyed. State the eligibility of SenVat credit. मिलेगा. क्यों? क्योंकि they are used. Consumption is not relevant. लिखो, लिखो. As per rule 2K, as per rule 2K,
Senvat credit of inputs. Senvat credit of inputs. Senvat credit of inputs is available if they are used in a factory. If they are used in a factory. ठीक है, अगर फैक्ट्री में यूज हुए तो क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक है, फुल स्टॉप लिखो. दस दस एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज बेस्ड ऑन यूज इन्वर्टेड कॉमा में यूज and not on consumption in final product and not on consumption in final product. Thus comma once the inputs use then they are eligible for Senvat credit. They are eligible for Senvat credit. Full stop. Hence, in given case, inputs lost in WIP, is eligible for, kya beta? Eligible for Senvat credit. चलो तो बताओ ये पूरा डिस्कशन कौन से वर्ड पे था? यूज होना चाहिए. उसके अलग अलग पैरामीटर देखे. वापस चार्ट पे आ जाओ. देखो अब देखो पहले क्लॉज में कहा कि वो यूज होना चाहिए, पर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो यूज नहीं होते हैं पर फाइनल प्रोडक्ट के साथ सप्लाई होते हैं जो आप बाहर से खरीदते हो. चलो एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा. मैं टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं. ठीक है, टेलीविजन मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने मदरबोर्ड खरीदा एंड यूज, एलईडी खरीदा एंड यूज इन प्रोसेस, अदर मटेरियल खरीदा एंड यूज इन प्रोसेस, कैबिनेट खरीदा है उसका टीवी का कैबिनेट एंड यूज इन प्रोसेस, ये तो मैंने सब यूज किया. और बताओ रिमोट मैंने खरीदा बाहर से और रिमोट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई विद फाइनल प्रोडक्ट. रिमोट खरीदूंगा तो रिमोट मैंने टीवी के लिए यूज किया या सप्लाई कर रहा हूं उसके साथ? सप्लाई कर रहा हूं. एचडीएमआई केबल है या स्टैंड है? तो बहुत सी बार एसेसरीज खरीदता हूं जिसमें एक्साइज लगती है जो फैक्ट्री में यूज नहीं होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के साथ सप्लाई होते हैं, तो क्या उसके क्रेडिट मिलेंगे क्या जो मैं फाइनल प्रोडक्ट के साथ बाहर से खरीद कर जिसपे एक्साइज लग के आएगी वो खरीद कर फाइनल प्रोडक्ट के साथ सप्लाई कर रहा हूं? अगर आप क्लॉज वन पढ़ोगे तो नहीं, क्लॉज वन में नहीं मिलेंगे क्योंकि क्लॉज वन की शर्त है क्या? यूज. पर उसके क्रेडिट बेटा क्लॉज टू में दिए. उसके क्रेडिट किस में दिए? क्लॉज टू में. तो क्लॉज वन यूज पे एम्फोसाइज करता है, पर क्लॉज टू देखो क्या. क्लॉज टू ये कहता है अगर कोई एसेसरीज आपने फाइनल प्रोडक्ट की, जैसे टीवी के केस में रिमोट केबल वगैरह, बाइक के केस में टूल किट वगैरह, या टूल किट कवर सीट कवर, अरे आया ना, जो बाहर से ली और सप्लाई की, तो उसके भी क्रेडिट आप ले सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन टेलीविजन. जब टेलीविजन पे एक्साइज ड्यूटी आएगी तो उसके अगेंस्ट में रिमोट पे जो एक्साइज लग के आई है उसका आप आईटीसी ले सकते हो. आईटीसी मतलब इनपुट है. मतलब ऐसा होगा अगर हमारा फॉर्मेट देखे तो टेलीविजन पे एक्साइज और नीचे परचेसेस, परचेसेस में आप रिमोट एंड केबल जो आपने खरीदा है, जो आपने यूज नहीं किया सप्लाई किया, उसके भी क्रेडिट मिल जाएगा. ओके, तो देखो क्या कहते हैं. एनी गुड्स इंक्लूडिंग एसेसरीज
क्लियर अलॉन्ग विथ फाइनल, बताओ यूज इन फैक्ट्री या क्लियर अलॉन्ग विथ फाइनल, क्लियर अलॉन्ग विथ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, जैसा यह एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर आप आओगे तो देखो पेज नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स पे, पेज नंबर मैंने लिया है, तो आप ये जो हाँ डायग्राम में लिख देना, ये जो एसेसरीज आपने खरीदी रिमोट एंड केबल टेलीविजन के लिए, रिमोट्स और केबल जो आपने खरीदे ओके बाहर से ओके, तो क्या इसके भी क्रेडिट मिल जाएंगे? यस, तुम डायग्राम में लिख दो अल्सो सॉरी सीसी सेनवैट क्रेडिट, सीसी मतलब सेनवैट क्रेडिट इज अवेलेबल, इसके भी क्रेडिट मिल जाएंगे, मिल जाएंगे हाँ। लेकिन अब उनकी अच्छा मुझे बताओ क्रेडिट किसके दिए जाते हैं बेटा, मैं फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दो, क्रेडिट किसके दिए जाते हैं? जिसकी कॉस्ट हमारे सेल्स वैल्यू में इंक्लूडेड है, जिसकी कॉस्ट हमारे सेल्स वैल्यू में इंक्लूडेड है और वो सेल्स वैल्यू पे एक्साइज लगाई है। क्योंकि बेटा समझ लो, अगर मैंने ओके ध्यान से सुनो, मैंने अगर कॉस्ट जो भी गुड्स खरीदा है उसकी कॉस्ट मैंने मेरे सेल्स वैल्यू में ली नहीं, तो क्वेश्चन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट डज नॉट अराइज। कैस्केडिंग इफेक्ट तो तभी हो गए जब वो कॉस्ट मेरे सेल्स वैल्यू में ऐड होगी। तो वापस चार्ट पे जाओ, वापस चार्ट पे जाओ, बता दो क्लॉज टू पढ़ो, और वो क्लॉज टू में क्या कहते हैं बताओ, एसेसरीज क्लियर विथ क्लियर अलॉन्ग विथ फाइनल प्रोडक्ट, आगे क्या लिखा है बेटा, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ विच, वो एसेसरी की कॉस्ट यानी वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ। हमारी शर्त यह है कि हम आपको एसेसरीज का क्रेडिट देंगे, पर वो रिमोट की कॉस्ट टेलीविजन की प्राइस में इंक्लूडेड चाहिए। हाँ या ना, वो केबल की कॉस्ट टेलीविजन की प्राइस में इंक्लूडेड चाहिए। बहुत सी बार जब आप टीवी खरीदते हो रिमोट का तो इंक्लूडेड होता है एमआरपी में, अरे है ना, या प्राइस में, केबल का होता है पर स्टैंड का नहीं होता है। आपने कहा मुझे वॉल हैंगिंग स्टैंड चाहिए, तो वो कहते हैं अलग से देना पड़ेगा। अगर वो अलग से देना पड़ेगा तो वो स्टैंड पर जो एक्साइज लगी उसका क्रेडिट आप टीवी के एक्साइज में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रेडिंग हुआ, फिर ट्रेडिंग हो। इज इट क्लियर? शर्त यह है, क्योंकि सेनवैट का फंडा ही है बेटा, क्रेडिट उसका ही मिलता है जिसकी कॉस्ट आपके सेल्स में एडेड है, फंडा ही है। इज इट क्लियर? और ये फंडा लाइफ टाइम याद रखना, जब भी क्लाइंट आए तो मुझे याद करना और यही बात कहना बेटा, क्रेडिट तो उसका ही मिलता है जिसकी कॉस्ट सेल्स में इंक्लूडेड है, तो ही कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। तो यहां पे इसलिए देखो, मैंने बिल बनाया, ख्याल देखना, बिल बनाया टेलीविजन की प्राइस 50,000, रिमोट केबल की 3,000, टोटल कितना हुआ बेटा 53,000, और एक्साइज में बताओ 50 पे लगा रहा हूं या टोटल पे लगा रहा हूं। हाँ, जब मैंने एक्साइज निकाला तो कॉस्ट ऐड करके निकाला, जब एक्साइज निकाला तो कॉस्ट ऐड करके निकाला, तो मुझे क्या रिमोट केबल्स के क्रेडिट मिल जाएंगे? हाँ, रिमोट केबल के क्रेडिट मिल जाएंगे। वापस चार्ट पे आओ क्लॉज टू में, एक मिनट पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉरी हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं चार्ट। आज सॉन्ग नहीं होगा, कल होगा। ओके, कल तक जो सॉन्ग के ईगरली वेट कर रहे हैं वो कल तक ओके पेशेंस रखें, सो कल तक पेशेंस रखो, हो जाएगा सॉन्ग कल ले लेंगे। हाँ मस्त है क्या? हाँ तो बेटा एलजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्या? टेलीविजन कंपनी, टेलीविजन बना रही, रुक जाओ ना बेटा, टेलीविजन बन रहा है ना। इट हैज आल्सो परचेस एसेसरीज, क्या खरीदा उन्होंने? एसेसरीज रिमोट एंड केबल सप्लाइड विद टेलीविजन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स गिवन बिलो। पहला वैल्यू ऑफ टेलीविजन, वैल्यू ऑफ टेलीविजन सोल्ड कितने का? 50,000 प्लस एसेसरीज कितना? 3,000। ये बताओ क्या एसेसरीज की कॉस्ट हमने टेलीविजन में ऐड कर दी? हाँ या ना, यानी प्राइस कितनी है? 53,000।
ओके, एक्साइज ड्यूटी ऑन टेलीविजन कितना? 20%. ठीक है, प्राइस ऑफ रिमोट एंड केबल हमने कितने में खरीदा था? तो हमने खरीदा था 2000 में, और एक्साइज कितनी लग के आई? 200. क्या ये 200 का क्रेडिट 50,000 पे जो एक्साइज आएगी उसमें मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा. अब प्रेजेंटेशन बेटा वैसा ही, आउटपुट टैक्स माइनस क्रेडिट. पर यहां पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती इस एनवैट में, आउटपुट टैक्स डायरेक्ट ऐसा लिखना, एक्साइज ड्यूटी पेबल, एक्साइज ड्यूटी पेबल लेस एनवैट क्रेडिट. तो थोड़ा दोनों के फॉर्मेट में फर्क है. हम वैट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आउटपुट टैक्स और आईटी से लिखे, यहां ऐसा नहीं, यहां डायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन सेल्स या रिमूवल, एक्साइज ड्यूटी रिमूवल पे भी लगती है, लेस एन वैट क्रेडिट. चलो लिखो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्साइज ड्यूटी पेबल एक्साइज ड्यूटी पेबल पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज. लिखो, टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल पेबल ब्रैकेट में 53,000 इंटू 20% रेट है, कितना आ रहा है बेटा? 10,600. यह आपका आउटपुट टैक्स हुआ. लेस आईटीसी नहीं लिखोगे, क्या नाम आता है यहां पे? सेनवैट क्रेडिट. लेस सेनवैट क्रेडिट रिमोट एंड क्या केबल्स, कितना क्रेडिट मिलेगा? 200. क्योंकि क्रेडिट बेटा वैल्यू का नहीं मिलता है, टैक्स का मिलता है. अब आप उतने मैच्योर्ड हो गए हो तो 200 यानी कितना पेबल है आपका? 10,400 नेट एक्साइज पेबल. नेट एक्साइज पेबल 10,400. चलिए वापस चार्ट पे आ जाओ, वापस चार्ट पे 6.4 पे आओ. नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, चार्ट का एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल लेके, इसलिए आपको इधर उधर 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 शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक है सर, तकलीफ जा रही है, तुम मत हो. ओके, तो ध्यान से सुनिए, क्लॉज टू फिर से पढ़ता हूं. एनी गुड्स इंक्लूडिंग क्या एसेसरीज क्लियर्ड अलॉन्ग विथ फाइनल प्रोडक्ट, उसे भी इनपुट्स माना जाएगा, पर शर्त यह है कि उसकी वैल्यू आपके फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होना जरूरी. एंड सेकेंड, गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग अंडरलाइन फ्री वारंटी, गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी फॉर फाइनल प्रोडक्ट. एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज फ्री वारंटी मीन्स, फ्री वारंटी मतलब क्या? मीन्स वारंटी प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर द वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. हाँ सर, थोड़ा समझा दो ना इसको अच्छे से, बताता हूं बेटा. सुनो, मैंने मोटर खरीदी, मोटर मेरा इनपुट था, ठीक है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट था वॉशिंग मशीन. अब सुनिए, एक एक वर्ड सुन लेना बेटा, अगर समझ गया तो यहां पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अज्यूम करो मैंने दो मोटर खरीदने के बाद उसमें की एक मोटर मैंने वॉशिंग मशीन में यूज कर ली, इनपुट्स यूज इन फाइनल प्रोडक्ट और यूज इन अ फैक्ट्री, एक यूज कर लिया, एक तो यूज हो गया इसलिए क्रेडिट मिलना ही है क्योंकि यूज, अरे आया ना, तो क्रेडिट मिलना ही है. दूसरा स्टॉक में पड़ा था बेटा, अब रहने दो उसको स्टॉक में. अब वॉशिंग मशीन बन गई, वॉशिंग मशीन बनने के बाद हमने कस्टमर को सेल किया, वॉशिंग मशीन की तरफ देखना. ओके, तो हमने कस्टमर को सेल किया, नालायक लगाई था. हाँ ओके, गंदी सोच है. हाँ तो ऐसे केस में यहां पे, तो यहां जब हमने वॉशिंग मशीन जो है सेल किया, तो बेटा अब आपसे पूछना चाहूंगा, वॉशिंग मशीन की प्राइस 40,000 थी, अब मैंने अगर वारंटी चार्जेस लगाए होंगे तो आपको याद है ट्रांजेक्शन वाले में वारंटी ऐड होता है,
वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, धर्मदा, पैकिंग, अरे आया ना, तो मैंने वारंटी इंक्लूडिंग वारंटी 40,000। तो बताओ एक्साइज ड्यूटी जो लगाया 40,000 पे, जब एक्साइज लगाया मैंने आउटपुट टैक्स, तो क्या उसमें वारंटी इंक्लूडेड था? आया ना, उसमें वारंटी इंक्लूडेड था। मतलब कंपनी ने कहा हम वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं जिसमें वारंटी चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे, एक साल की फ्री वारंटी है, एक साल की फ्री। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो पर आपके लिए वो फ्री होता है, कंपनी ने उसके चार्जेस ले लिए। आप बाइक खरीदते हो, एक साल का फ्री सर्विस, आपके लिए फ्री सर्विस होता है, कंपनी ने प्राइस में ले लिया उसका पैसा। पर वो कैसा, कस्टमर को फ्री वर्ड अच्छा लगता है, इसलिए आपको कहते हैं एक साल की सर्विसिंग फ्री। वो फ्री किस बात की यार, जो 38,000 की बाइक थी वो 40,000 में दी आपको, समझ में आया? एज अ प्राइस। तो ऐसे केस में वॉशिंग मशीन दिया और एक साल का फ्री सर्विस है या फ्री वारंटी है, 40,000, ठीक है। अब हुआ कस्टमर के पास वॉशिंग मशीन चले गया, कस्टमर दो महीने बाद प्रॉब्लम आया, कंप्लेंट की गई, कंपनी का बंदा आया, कंपनी के बंदे ने जब चेक किया तो पता चला कि उसके अंदर जो मोटर थी, देखो मोटर दिखाइए, ट्रांसपेरेंट, सर नहीं दिख रहा है, जाने दो, है मोटर, तो मोटर जो थी पता चली कि मोटर उसमें खराब है, पर हम वारंटी में, हम वारंटी में। तो क्या हुआ, कंपनी वो जो पुरानी मोटर लेके गई और कंपनी के पास एक स्टॉक में पड़ी थी मोटर, अरे आया ना, वो स्टॉक में पड़ी हुई मोटर फ्री दे दिया अंडर वारंटी। तो अब सुनिएगा, वो मोटर जो इनपुट खरीदा था, रिमूव विदाउट यूज, रिमूव विदाउट यूज, अंडर फ्री वारंटी, यूज नहीं किया उसको और बिना यूज करके दे दिया हमने सामने वाले को। तो सवाल ये है, रिटेक, सवाल ये है कि ये जो इनपुट्स जो यूज नहीं किया, क्योंकि पहली शर्त यूज होना चाहिए, ये जो इनपुट जो यूज नहीं किया, फ्री वारंटी में दे दिया, क्या उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके वारंटी चार्जेस आपने कॉस्ट में ले लिए थे। हाँ या ना? तो फ्री वारंटी में जो इनपुट सप्लाई किया गया उसके वारंटी चार्जेस जब सेल किया था उसमें आपने ऐड कर दिए थे, इसलिए वो इनपुट्स क्यों ना यूज हुआ होगा, यूज नहीं हुआ था वो, तभी उसके क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे। तो बेटा ओके सुनिएगा, इसके भी क्रेडिट आप ले सकते हो। ओके, तो वही कहते हैं फ्री वारंटी में, कौन सी वारंटी क्या उन्होंने, फ्री, और फ्री मतलब वही जिसके वारंटी चार्जेस इंक्लूडेड थे, जिसके वारंटी चार्जेस इंक्लूडेड, तो उसके भी क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। चलो फटाफट नीचे एक प्रॉब्लम दिया है वो ले लेते हैं। वर्लपूल लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन, और डरना मत, नेक्स्ट पेज ब्लैंक है तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन कंपनी, ओके, कंपनी आल्सो परचेसिंग वेरियस कंपोनेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन, वन ऑफ इट्स कंपोनेंट मोटर यूज फॉर वॉशिंग मशीन सप्लाइड फ्री टू कस्टमर अंडर वारंटी क्लेम, उसका एक इनपुट जो था मोटर वो फ्री दे दिया क्लेम। कैन वर्लपूल लिमिटेड टेक अ सेमेंटेड ऑफ मोटर सप्लाइड फ्री अंडर वारंटी एज ए इनपुट्स इवन दो नॉट यूज इन अ फैक्ट्री? यस, तो लिखो, लिखो आंसर, यस कॉमा, यस कॉमा, एज पर रूल 2K, एज पर रूल 2K इनपुट्स, इनपुट्स इंक्लूड्स, इनपुट्स इंक्लूड्स एनी गुड्स सप्लाइड, एनी गुड्स सप्लाइड एज अ फ्री वारंटी, एनी गुड्स सप्लाइड एज अ क्या, फ्री वारंटी फॉर फाइनल प्रोडक्ट, paragraph change, free warranty means a warranty, free warranty means a warranty provided by manufacturer
वारंटी प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, द वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड, वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, चलो ये तो था फ्री वारंटी वाला. तो बताओ आपको मैं वापस कल पूछूंगा और आज भी पूछ रहा हूं, कौन से ऐसे दो इनपुट्स है जो फैक्ट्री में यूज नहीं भी होते तो भी क्रेडिट मिलता है? एक एसेसरीज और दूसरा फ्री वारंटी वाला, उसके क्रेडिट्स मिलते हैं. तीसरा क्लॉज 3 देखिए, वापस चार्ट पे आ जाओ बेटा. हाँ, ऑल गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम और पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज. ध्यान से सुनिए, अब सुनो, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट फैक्ट्री के बाहर होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट क्या फैक्ट्री के बाहर होगा, या वाटर पंपिंग प्लांट फैक्ट्री के बाहर होगा, तो वहां जो कैपिटल गुड्स यूज होगा उसके तो क्रेडिट मिलेंगे ही मिलेंगे, और वहां जो इनपुट्स भी यूज होगा तो उसके भी क्रेडिट्स मिलेंगे. वहां ऑल गुड्स यानी कैपिटल गुड्स एज वेल एज अदर गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके क्रेडिट मिलेंगे एज अ इनपुट्स. चलो पेज नंबर 6.7 पे आओ और लिखो कमेंट नंबर 3. खेलना मत बेटा, टोटल 6-7 कमेंट्स आने वाली है, उतनी जगह है, खेलना मत. ठीक है, कमेंट नंबर 3. एक मैन्युफैक्चरर का प्लांट निकालो, छोटा सा सीमेंट बना रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है, और बाहर पावर जनरेशन प्लांट है, पावर जनरेशन प्लांट, और एक वाटर पंपिंग प्लांट है, वाटर पंपिंग प्लांट है, यहां जो कैपिटल गुड्स यूज हो गए और ऑल अदर गुड्स यहां पे भी जो कैपिटल गुड्स यूज हो गए और ऑल अदर गुड्स, पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम और वाटर कंज्यूम इन अ फैक्ट्री, वाटर कंज्यूम इन अ फैक्ट्री, शर्त यह कि जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है वो कंज्यूम इन अ क्या होना चाहिए फैक्ट्री. तो लिख दो सीसी अवेलेबल, राइट मतलब अवेलेबल, सीसी मिलेगा, इसका भी सीसी मिलेगा और इसका भी एज ए इनपुट सीसी मिलेगा, इवन दो यूज आउटसाइड द फैक्ट्री. ठीक है, चल वापस चार्ट पे आओ. डू इट फास्ट यार. हो गया,
जूम नहीं हो रहा है। अरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, वाटर कंज्यूम, ये पावर जनरेशन प्लांट है तो ये वाटर पंपिंग प्लांट है। बस चलो आ जाइए इधर बेटा। उसके बाद में फोर्थ क्लॉज। अब थोड़ा ये बताइए कि पहला क्लॉज फैक्ट्री वर्ड है, फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये किसके लिए होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर? फैक्ट्री किसकी होती है? यानी ये जो पहला डायरेक्शन है वो मैन्युफैक्चर के लिए, कि एक मैन्युफैक्चर के लिए इनपुट्स कब कहा जाएगा, तो लिख दो फॉर मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चर के लिए बेटा, यहां पे फॉर मैन्युफैक्चरर। अच्छा मुझे बताओ ये एसेसरीज क्लियर अलोंग विथ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कौन बनाता है? तो दूसरा भी किसके लिए है? मैन्युफैक्चर, यानी ये भी एम के लिए है मैन्युफैक्चरर, ये भी मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद में तीसरा भी किसके लिए है? यानी मेरा ओके, एक मैन्युफैक्चरर कौन कौन से इनपुट्स के क्रेडिट ले सकता है? तो यूज इन अ फैक्ट्री क्लियर अलोंग विथ फाइनल प्रोडक्ट फ्री वारंटी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा क्लॉज जो है बेटा वो है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, यानी आपका क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर होगा तो डायरेक्ट यहां जाना। और वो कहते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर एज ए इनपुट्स किसके क्रेडिट ले सकता है? ऑल गुड्स, ऑल 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 गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। एक बार फिर से क्वेश्चन, क्या एक सर्विस प्रोवाइडर एक्साइज के क्रेडिट ले सकता है? कैपिटल गुड्स एट कैटेगरीज होगा तो, और वो एट कैटेगरीज छोड़ के बाकी सभी गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। केबल यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। उसके बाद में ओके यूज फॉर, बोर्ड नहीं है पर यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, अरे आया ना ओके। तो यहां पे यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस समझ लो पहले, तो ये मेरा कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 82 84 85 आगे याद आया ना, उसमें नहीं आता है, उसमें नहीं आता है तो वो इनपुट्स। ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। हाँ पर टेलीविजन कैपिटल गुड्स में आ जाता है, कैमरा कैपिटल गुड्स में आ जाता है, बस ये लाइट्स, लाइट्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। अरे आया ना, इसके भी क्रेडिट मिल जाएगा ओके। उसके बाद में ये नोट्स जो मेरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, पेजेस खरीदे यूज फॉर प्रोवाइडिंग, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, अच्छा ठीक है। तो ये जो है यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, जो पेजेस खरीदे ओके। तो इन सिंपल वर्ड, जो भी मैंने यहां पे कोई भी मटेरियल खरीदा होगा, अगर वो एट कैटेगरीज में आता है तो कैपिटल गुड्स, और अदर देन एट कैटेगरीज में आता है तो इनपुट्स। ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, ठीक है। तो इसके क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज के आपको। तो उसके बाद में लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 अप्लीकेबल फॉर नवंबर 2016 अटेम्प्ट एज वेल एज मई 2017 अटेम्प्ट। इस पे दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फिफ्थ नंबर का अभी ऐड हुआ है। अब वो देखो क्या कहते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स विच हैव अ वैल्यू
all capital goods which have a value up to 10,000 rupees per piece. जब जब भी कैपिटल गुड्स वर्ड आएगा तब तक दिमाग में एक ही डेफिनेशन आनी चाहिए दो मिनट में. कौन से आनी चाहिए? रूल 2A, मतलब जब भी वर्ड कैपिटल गुड्स आएगा तो चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 96, 604, 605, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कंपोनेंट स्पेस एंड एक्सेसरीज ऑफ अबव 1 एंड 2 मोल्ड लाइज एंड जिग्स फिक्सचर्स रिफैक्टरीज एंड रिफैक्टरीज मटेरियल 2 पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑफ स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल अदर देन 8702030487111. अरे आया ना, तो वो क्या कहते हैं भाई? सुनो भाई सुनो, क्या आप वैसे तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको 50-50 है, वैसे तो वो जो 8 कैटेगरीज में गुड्स आते हैं आपको क्रेडिट 50-50 है, पर अगर वो कैपिटल गुड्स की वैल्यू अप टू क्या 10,000 होगी तो उसका क्रेडिट एज अ कैपिटल गुड्स नहीं. कैसे ले लेना? इनपुट्स 100% एक्साइज के क्रेडिट ले लेना, डेफर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है. ये अमेंडमेंट क्यों हुई अभी बताता हूं. बहुत से इंडस्ट्री की क्या डिमांड थी बताता हूं आपको भाई. उन्होंने कोई स्पेयर खरीदा, 500 रुपीज का स्पेयर है मशीन का, कितना 500, उसके ऊपर एक्साइज लगी होगी 10%, 50 रुपया. अब छोटा सा स्पेयर छोटी वैल्यू, एक्साइज 50, पर इंडस्ट्री को तकलीफ क्या जा रही थी कि वो 50 रुपीज को डिफर्ड करना पड़ता था, 50 to 25, अभी 25 बाद में. अब उसके लिए अकाउंट मेंटेन करो, छोटे से अमाउंट के लिए डिफर्ड अकाउंट मेंटेन करो, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस क्रेडिट लो. कंपनी की कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ रही थी छोटे वैल्यू के लिए, डेफर्ड करने के लिए. तो इंडस्ट्री ने या सर्विस प्रोवाइडर ने यह रिक्वेस्ट किया कि भाई जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू अब छोटी वैल्यू कम वैल्यू है उसके क्रेडिट पूरे लेने दो ना यार, क्यों अननेसेसरी हमारी कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ाते हो. ओके, वो डेफर्ड अकाउंट बनाओ, फिर ट्रैक रखो, नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट लो, फिर उसके ऑडिट में बताओ. अरे हाँ या ना, तो क्यों हमको परेशान करते? स्मॉल वैल्यू गुड्स है, मोल्ड लाया, स्पेयर लाया, डाई लाया. तो इंडस्ट्री ने कहा ठीक है जा अपनी जिंदगी जी ले. इसलिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्री नहीं सॉरी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने यह अमेंडमेंट की और कहा अगर कोई भी कैपिटल गुड्स 8 कैटेगरीज में का कोई भी कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू अप टू 10,000 है उसके क्रेडिट आप एज अ इनपुट्स ले सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ऐसा समझना 99.99% चांसेस है कि इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और 5 में से 2 इस पर पूछ लिया तो 3 ही बचे, क्योंकि 5 मार्क का ही सेनवर्ड आता है. अरे है ना, तो अगर इस पर पूछ लिया तो 3 ही बचे. तो यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एक मैन्युफैक्चर, ये दोनों को अप्लीकेबल है, MNOSP. एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी कैपिटल गुड्स खरीद रहा है जो अप टू 10,000, या एक सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कैपिटल गुड्स खरीद रहा है जिसकी वैल्यू अप टू 10,000 है, वो 100% क्रेडिट ले सकता है. चलिए सिंपल वर्ड में कि भाई फॉलोइंग कैपिटल गुड्स आर परचेस, क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉलोइंग कैपिटल गुड्स आर परचेस, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वैल्यू 2 लाख, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वैल्यू 2 लाख. बताओ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वैल्यू दिया, वैल्यू 2 लाख, तो एज अ कैपिटल गुड्स लोगे. फिर सेकंड मोल्ड परचेस वैल्यू 6,000, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, वैल्यू 6,000 तो आप एज अ इनपुट लोगे, उस पर जो एक्साइज लग के आई, और नीचे नोट दोगे, नोट आपकी वर्ड्स में जाएगी. अरे है ना, नोट ये दोगे एज पर रूल 2K, एज पर रूल 2K, इफ वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स अप टू रुपीज 10,000 देन क्रेडिट अवेलेबल एज अ इनपुट्स 100% क्रेडिट. हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और उसके ऊपर नोट आएगी. चलिए तो सो बट इनपुट्स एक्सक्लूड,
अब मैं बताता हूं, कुछ इनपुट्स के क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देना चाहती. इवन दो यूज इन अ फैक्ट्री, इवन दो यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेज. हाँ, थोड़ी मनमानी इस इन्वर्ट में. एंड उन्होंने लिस्ट दे दी कि कुछ इनपुट्स के क्रेडिट हम नहीं देंगे, जिसमें पहला आइटम तो वही है बेटा जो वैट में था, डीजल पेट्रोल. डीजल पेट्रोल के ना वैट के क्रेडिट है ना सेन वैट. इवन दो डीजल यूज इन अ फैक्ट्री, इवन दो पेट्रोल यूज इन अ फैक्ट्री, इवन दो हमने पहले कह दिया होगा ऑल गुड्स, पर कुछ हम क्रेडिट नहीं देंगे. मतलब नहीं देंगे, चिल्लाओ मत, नहीं देंगे बस. इसलिए मेरे पास आना ही नहीं ये बात के लिए. सर ऊपर तो लिखा है ऑल गुड्स, और ख्याल में रखना निकाला उसे ही जाता है जो आ गया. जो ऑल गुड्स में आ गया उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, जो आया ही नहीं आ जा. मैं ये बताइए, हमने पहले कह दिया ऑल गुड्स यूज इन अ फैक्ट्री, इसका मतलब जो ऑफिस में यूज हो गए वो वैसे ही चले गए, जो डेपो पे यूज हो गए उसके तो मिलेंगे ही नहीं, तो उसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मिलेंगे ही नहीं. पर बेटा बट एक्सक्लूड, बट एक्सक्लूड का मतलब ही है कि ये उसे निकाला जा रहा है जो ऑल गुड्स में आ गया इन अ फैक्ट्री. यानी ये मैसेज ये है कि आप डीजल पेट्रोल जो फैक्ट्री के अंदर यूज करोगे, इवन दो यूज इन अ फैक्ट्री, पर क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. इवन दो यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, मेरा जनरेटर है, समझ लो 20 स्मार्ट एकेडमी का जनरेटर है बाहर लगा हुआ, और हमने डीजल खरीदा, डीजल पे एक्साइज लग के आई, एंड दैट जनरेटर, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी आई यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, पर डीजल का क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब नहीं, ख्याल में रखना हकला उसे ही जाता है जाया. मेरा एग्जाम्पल फेमस स्टार्ट है, इज इट क्लियर. तो अब कुछ ऐसे आइटम्स जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं या सर्विस में यूज हो रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आता है. पहला, हाँ तो लिखो पहले तो ये बट इनपुट्स एक्सक्लूड, लिखो अप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर, दोनों का अप्लीकेबल है. एक्सक्लूजन लिस्ट अप्लीकेबल टू एम एंड एस पी, दोनों को. यानी मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चरर होगा तो भी कहूंगा कि इसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे, और सर्विस प्रोवाइडर होगा तो भी कहूंगा इसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे. ठीक है, पहला देखो बट एक्सक्लूड क्या नहीं आएगा इनपुट्स में. सिंपल वर्ड में देखो, पहला लाइट डीजल ऑयल, एम्फोसाइज करना डीजल पे. डीजल में दो कैटेगरी होती है, एक लाइट डीजल और एक हाई स्पीड डीजल. एक होता है हाई स्पीड, वो टाइम पे याद भी नहीं आया तो भी समझ जाना डीजल. ओके, अब स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं, मैंने लुब्रिकेटिंग ऑयल खरीदा, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिल जाएगा, किसका नहीं मिलेगा, डीजल ऑयल का नहीं. जब तक डीजल वर्ड नहीं दिखेगा तब तक क्रेडिट दे देना, डीजल दिखा कि क्रेडिट डिनाई कर देना. लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल और मोटर स्पिरिट, मतलब एक पेट्रोल. अगर पेट्रोल, मोटर स्पिरिट को पेट्रोल कहते हैं, मोटर में यूज होने वाला स्पिरिट मतलब ही पेट्रोल. तो पेट्रोल होगा तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, जिसको शॉर्ट में प्रॉब्लम में एलडीओ और एचएसडी भी आ सकता है. अगर एलडीओ मतलब क्या, लाइट डीजल ऑयल, और एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल ऑयल, तो ऐसे केस में उसके क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो नॉट एलिजिबल परचेस फॉर क्रेडिट, मतलब मिलेगी ही नहीं. जैसे आप सेनवैट में भी दो कॉलम देखे थे, एक एलिजिबल परचेस और एक नॉट एलिजिबल, तो ये नॉट एलिजिबल परचेस है. एक साइज लग के आया होगा तभी नहीं मिलेगा. ठीक है, यूज इन अ फैक्ट्री होगा तभी नहीं मिलेगा. दूसरा बेटा क्लॉज बी, क्लॉज बी में एनी गुड्स को ऐसा बॉक्स करो, कोई भी गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब क्या. मैंने अब ये क्लॉज आप डिटेल में मत जाना क्योंकि आपको फाइनल लेवल पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आएंगे, कंस्ट्रक्शन सर्विस आएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स में आपको डिक्लेयर्ड सर्विस नहीं था. इसलिए जितना मैं सिंपल वर्ड में लिखा के दूंगा उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं. ये वाला मैं कहूँगा फाइनल लेवल पे ज़्यादा डिटेल में है. तो बेटा सुनिए, वो कहते हैं यहाँ पे एनी गुड्स यूज
फॉर क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बांध रहा है, मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बांध रहा है, उसके लिए सीमेंट खरीद, एनी गुड्स मतलब सीमेंट खरीद रहा है. अंबुजा सीमेंट से सीमेंट खरीदा, सीमेंट में जान है, और उस पर क्या लग के आया? एक्साइज. समझ लो, मैं हूं मैन्युफैक्चरर जो शर्ट बनाता हूं, मेरी शर्ट की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने शर्ट पे एक्साइज लगेगी, शर्ट पे क्या लगेगी? एक्साइज. और मैंने फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने क्या यूज किया? सीमेंट. नो डाउट सीमेंट यूज इन अ फैक्ट्री. ब्रिक्स खरीदा, स्टील खरीदा, पर किसके लिए खरीदा बेटा? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स या एनी गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, उस पर जो एक्साइज लग के आएगा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. अरे सर बट, नो बट शट, कट टू कट. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो आएगा. दूसरा बेटा सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर समझ लो मैं हूं. ये एक्सेप्शन सर्विस प्रोवाइडर को भी अप्लीकेबल है, एम एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर अपनी बिल्डिंग बांधने के लिए, बाजू में बिल्डिंग बन रही है, समझ लो, समझ लो, वहां एग्जाम्पल लेते हो कि वी स्मार्ट अकेडमी के हॉल बन रहे, अज्यूम. ओके, ये वी स्मार्ट अकेडमी के हॉल बांधने के लिए सीमेंट खरीदा जा रहा है, ब्रिक्स खरीदा जा रहा है, स्टील खरीदा जा रहा है, और बहुत सारे मटेरियल खरीदा जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? बिल्डिंग. नो डाउट दिस बिल्डिंग आई विल यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. दिस बिल्डिंग आई विल यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. तभी सीमेंट का क्रेडिट्स नहीं मिलेगा, मतलब नहीं यानी वैसे मुझे एक्साइज का क्रेडिट मिलता है पर इसका नहीं मिलेगा. अरे आया ना, इसका नहीं मिलेगा. इवन दो बिल्डिंग आई यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. सिंपल वर्ड में कहूँ तो एनी बिल्डिंग मटेरियल परचेस, मैंने क्या वर्ड यूज किया? बिल्डिंग मटेरियल परचेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर, और लेइंग ऑफ फाउंडेशन फॉर मेकिंग और टू सपोर्ट द कैपिटल गुड्स. यानी कोई कैपिटल गुड्स के मशीन के सपोर्ट के लिए फाउंडेशन बना रहा हूँ, तो उसके लिए अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा तो उसके क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो आपको सर एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसा ही आएगा, बिल्डिंग मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको लिखना है क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. चलो कमेंट नंबर 7 लिखो, सॉरी पहले कमेंट नंबर 6 लिख लो, वही नेक्स्ट पेज पे. 3-4 नहीं है, मतलब वो बाय मिस्टेक आ गया. कमेंट नंबर 6 लिख लो, कमेंट नंबर 6. ठीक है लिखो, क्रेडिट ऑफ एलडीओ, एचएसडी एंड पेट्रोल, क्रेडिट ऑफ LDO, HSD and petrol is not available. Is not available, even though used in a factory. Even though used in a factory for any purpose, including generation of electricity, etc. For any purpose, including generation of electricity, diesel से electricity भी बनती है ना, it is. Comment, last comment, फिर छोड़ देता हूँ. Comment number 7. Any goods. Comment number 7. Any goods. Example cement, brick, steel. Example cement, brick, steel. Or other building material. Or other building material. Used by manufacturer. Used by manufacturer. Or service provider or service provider
for following purposes, for following purposes, then not eligible for SENMAT credit. Not eligible for SENMAT credit. Dekho pehla, construction of building, construction of building. Dusra, construction of any civil structure. Construction of any civil structure. Tisra, construction of foundation to support the capital goods. To support the capital goods. ठीक है, ये तीन पर्पस के लिए आप फैक्ट्री में या सर्विस प्रोवाइडर अपने कहीं पे भी प्रीमाइसेस पे अगर कोई भी गुड्स खरीदता है तो उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा. यहाँ रुकते हैं. टुमारो शार्प एट 2 o'clock, टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी बंधनों को तोड़ के आना. चेक योर बिलोंगिंग्स, एक बार सभी चेक कर लो. एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन.